तेरा बच्चा नहीं संभाला जाता। देखो ऐसा मत कहना, तुमने अपनी सुनी बस के मारे मेरा बच्चा बिगाड़ रखा है। मेरे पास पैसे हैं, लो पकड़ो। साड़ी? अरे साड़ी सुना तो मैंने चक्कर छोड़ दिया है। हाँ हाँ मुझे अच्छी तरह मालूम है। साड़ी सुना तुम छोड़ोगे? अगर अपनी भलाई चाहते हो तो सीधी तरह लोटा रख दो। लोटा? हाँ हाँ लोटा रख दो। माँ सुन ले। सुनोगी तो क्या हुआ, मैं तो शाम तक तुम्हारे लिए खाना लेकर बैठी रहूँ और तुम जाकर नीचे बस लोटे भर के साड़ी पीते रहो। मुझे रोज रोज की बातें पसंद नहीं, समझे? नाराज हो गए? छोड़ दो मेरा हाथ। पहले बताओ नाराज हो गए क्या? हाँ। क्यों? मेरी मर्जी। अच्छा तो ये बात। डॉक्टर बस जरा बाहर जा रहा था काम से, किसी से टोक दिया। बोलो क्या काम है? जरा गाय का मैदान में बांधा। मुझे अभी फुर्सत नहीं। तुझे क्यों फुर्सत होगी? फुर्सत तो मुझे बुढ़िया को है। अब मैं ही जाऊँ गाय को चराने। कौड़ी का काम नहीं करता, मैं घर में घड़ी भर बैठता। और बैठेगा भी क्यों? किसके लिए? 7 साल हो गए शादी को, ना एक लड़का हुआ ना मुई लड़की। पराए बच्चे को दिन रात गोद में उठा के फिरने से क्या मेरे पुरसे कर जाएंगे? ए मिजाज तो देखो, अरे औरत का बाल बच्चा ही ना हो तो थक किस बात की। चल चल, मैं भी कुछ दिन देखूंगी। मैं तो रतन का दूसरा ब्याह कर दूंगी। हाँ 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 तोड़ दिया, गिरा दिया क्या? सुना बर्तन रखने जा रही थी, हाथ से गिर गया। हाथ से गिर गए? अरे हमारे हाथ से क्यों नहीं गिरते? क्या करें, एक हाथ फंसा हुआ था। ओह हाथ फंसा हुआ था, ये हाथ फंसा हुआ था। अरे इतने बर्तन उठाने थे, इसलिए तो क्यों उठा रखा है? अरे वाह, अभी जमीन से उठाने जबान भी से भरती निकल आई। ठहर जा, आने दे निर्मला को, ऐसी सुनाती हो तो फिर कभी इस कुत्ते को मेरे घर नहीं भेजेगी। हाँ मर जा, 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 लेकिन इंसान के बच्चे को अगर सुधारना चाहती हो तो प्यार और मोहब्बत से सुधारना चाहिए। जा बेटा जा, जा। मेरी बात याद रखना भाभी। अरे हाँ हाँ ऐसे चलते रहते बहुत अच्छे हैं। दूध लेते वक्त झूठी दिली और दाम सुनते वक्त चल साझा। अरे अरे हुआ क्या? सवेरे सवेरे सांस की तरह गला क्यों भर रहे? देखो रतन भैया, दूध पिए इसका बच्चा और खराब करूँ मैं और 2 सर दूध होगा। ओ ये बात है। क्यों जीवन महाराज, मैं पूछता हूँ दूध पिलाने की अगर ताकत नहीं है बच्चे क्यों पैदा करते? सर नहीं आती ज्यादा डूब मरो, चुल्ली भर पानी में डूब मत। रतन क्या है, ऐसे चाहिए ना? मैं जानता था तुम मेरी धरती लोगे। मिन्नत खुशामत करके ताड़ी पीने के लिए माँ से 2-4 आने पैसे लाता हूँ, वो भी तुम लोगों की आंखों में खटकता है। ले लो 4 आने पैसे, अपने बच्चे को दूध पिलाना। मेरी ताड़ी गई बाहर। क्या रतन, बस बस अब ऐसा जताने की जरूरत नहीं। मेहरबानी करके कल मेरे यहाँ चले आना, घर में गाय है, 3-4 से दूध होता है, थोड़ा सा दे दिया करूंगा। अरे मेरा क्या है, आगे बैल ना पीछे पगार। और देखो जरा मुंह अधेरे आना, माँ ने कहीं देख लिया तो तुम्हारी मरम्मत के साथ ही साथ मेरी भी खोपड़ी ऊंची कर देगी, समझे? आई दर्शन हुआ जानवर को मारी जाएगा क्या? कथा की तरह माता ही जा रहा है तो देख बुद्धू पैया पिक्चर में बसा हुआ है। जरा खेल दो ना भैया। अरे जा खेल दो, मैं तेरे बाप का नौका थोड़े ही हूँ। हाँ सकल सूरत तो बड़ी अच्छी है, किसके दामाद हो भैया? दामाद? हाँ दामाद आवाज तो मैं किसी का भी नहीं, मैं तो डॉक्टर हूँ। ये चंदन गांव में डॉक्टरी करने के लिए आया हूँ। अच्छा तो तुम ही हमारे नए डॉक्टर हो? जी हाँ। मगर भला तुम्हें कोई पहचाने भी कैसे? अब तक यहाँ जितने भी डॉक्टर आए कोई तो मरियल बुढ़े और कोई अखाड़े के पहलवान। तुमसे पहले जो डॉक्टर था ना, अरे क्या नाम है उसका? हाँ गदाधर, गदाधर। मैंने कहा हाँ जरा पहिया। भैया जी हाँ। हाँ पहिया तो जरा पकड़ो इसे। जरूर हे लाल साहब, जरा घोड़ा संभालो। हाँ
चल रन खटोले। गोकुल कंपाउंडर गया काम से, डॉक्टर नहीं कहा तो सबको होम्योपैथी की गोलियां खिला खिलाकर दो चार पैसे कमा रहा था, उससे भी गया हद से नीचे। आज कैसे मेरा डॉक्टर आने वाला है, तू मेरी दवा नहीं खाएगा तो सुबह शाम उसकी सवारी कैसे कर सकेगा? भैया तुम्हें मेरे घर तक चलना पड़ेगा। क्यों? बच्चे का बुखार बढ़ ही रहा है, उतरता ही नहीं। कल तुमने जो दवा दी थी ना उससे कोई फायदा नहीं हुआ। हो गए छुट्टे, ऐसे कैसे फायदा होगा? डॉक्टर को पैसे देने पड़ते हैं, सब दवा असर करती है। पैसे? हाँ पैसे। पैसे कहाँ से लाऊं गोकुल भैया? कल घर के चावल बेच कर तुमको चारा नहीं दिए थे तो मुझे बड़ा आसान किया था क्या? मेरे लिए तो गांव में किसी के पास पैसे नहीं रहते, और वो एलोपैथी का डॉक्टर आएगा तो सुई लगवाने के सुबह शाम खान पैसे निकलेंगे। जाओ मैंने जाता बताओगे। अरे भाई नाराज क्यों होते हो? सुनो सुनो कंपाउंडर। कंपाउंडर? खबरदार मुझे कंपाउंडर कहा तो। जब एलोपैथी का नुस्खा लेकर आना तो कंपाउंडर कहना। आए तो होम्योपैथी के दवाई में डॉक्टर कहते हो तुम्हारी जबान दिखती है। अच्छी बात है, मैं तुम्हें डॉक्टर ही कहूँगा। हाँ मेरी बच्चे की हालत ठीक नहीं है, पहले तुम चलो तो सही। अभी मेरे पास पैसे नहीं, पैसे नहीं तो कैसे जाऊंगा? मगर इस बार मेरे खेत में बड़े अच्छे बैंगन हुए हैं, ये दो ढेर ले लेना। बैंगन? हाँ बड़े अच्छे बैंगन है। सच कहता है या मेरा दिल बहलाता है? नहीं सच कहता हूँ कंपाउंडर। अच्छा कर जैसे कैसे चलता हूँ। जया देखी जया अंग्रेजी दवा खाना भी एक मुसीबत है नारायण। या तो दवा बदलती रहती है नहीं तो डॉक्टर ही बदलता रहता। आज एक और नया डॉक्टर आने वाला। क्या डॉक्टर? क्या कर रही थी? डॉक्टर के कमरे की सफाई करके आ। मैं जरा नारायण की लड़की को देख के आऊँ। होम्योपैथी की दवा लेने के लिए आया है। हाँ चल नारायण। अरे नहीं उधर से नहीं, वो जाकर दम्बे आ जाएगा तो हो जाएगी छुट्टी। नया डॉक्टर से भी आता ही होगा, क्यों ना थोड़ी देर बैठ जाए बिहारी, फिर तो मुझे गोपालपुर जाना है। जी हाँ तू क्या कर रही है बेटी? बापू डॉक्टर का कमरा साफ करने के लिए कह गए थे, इसलिए साफ करने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जय जगदंदेश जय श्री माँ जी। गोकुल की लड़की काफी बड़ी हो गई। जी हाँ रूप रंग भी निखर आया। हाँ भाई लोग कहते हैं कि गोकुल कंपाउंडर ने जमीन के अंदर खासी रकम गाड़ रखी, तुम्हारा क्या ख्याल? जी जब सभी लोग कहते हैं तो कुछ सच्चाई तो होगी। हाँ वही मैं सोच रहा था। गाड़ी की आवाज आई, चलो देखे शायद डॉक्टर आ गया है। मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। आप है हमारी ग्राम पंचायत के प्रेसिडेंट श्री दरस। बस नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आप बड़ा हाँ भाई ये लो 5 रुपए। अरे रे नया आदमी देखकर गला काटता है। साहब हमारा जो कसूर है वो लेकर आता था। बात ये है कि शहर से इतनी दूर आने के लिए कोई गाड़ी वाला भी राजी नहीं था और रास्ता बेहद खराब है, बेचारा गरीब आदमी। नहीं ये सब लोगों के बहाने हैं। लेकिन बिहारी गोकुल अभी तक नहीं आया। गोकुल? हाँ आपका कंपाउंडर जब से ये दवाखाना खुला है वही काम करता है। पास नहीं रहता मुश्किल होगा।
आप नए आदमी हैं, आपको भी सब कुछ बताना समझाना चाहिए। और मुझसे गोपालपुर कचहरी जाना है। आप इतना नशे में जो कोई तकलीफ नहीं होगी, सिर्फ मेरे ठहरने का क्या इंतजाम है वो बता रहा हूँ। देखिए ये ऊपर का कमरा आपका। अच्छा वो कमरा। खाने का इंतजाम अगर आप खुद करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, वरना गोकुल की यहाँ खाया कीजिएगा। मेरा ख्याल वही रहता है। वो भी ड्रामा है। अच्छा, महीने में थोड़ा बहुत कुछ कह दिया। हाँ फिर वो तो पहले के डॉक्टर भी ऐसा ही करते हैं। मुझे इजाजत दीजिए, देर हो गई। अगर कोई भी जरूरत हो तो बकुल की लड़की है, उसे करिएगा। अच्छा नमस्ते। जय जगदम्बी, जय श्री माँ। डॉक्टर हूँ जिसकी अभी आप तारीफें कर रही थी। आप? जी हाँ, पहचानने में दिक्कत हो रही है ना, इसलिए कि न तो मेरे बकरे किसी दाढ़ी है, न मुछंदर किसी मूछे हैं, न अंधा हूँ न लगड़ा हूँ, ठीक है ना? जी हाँ। बहरहाल मैं ही नया डॉक्टर हूँ,
अभी दयाशंकर बाबू ने बताया कि यहीं पे मेरे ठहरने का इंतजाम है। जी हाँ, बापू ने कहा ये कमरा साफ करने के लिए। ओहो, तो तुम कंपाउंडर बाबू की लड़की हो? अच्छा, क्या नाम है? किसका? बापू का या मेरा? तुम्हारा? मेरा नाम तो जया है। जया? ओ जया, नाम तो बहुत अच्छा है। तो कमरे की सफाई हो रही थी ना? सफाई तो बहुत अच्छी हो जाती है। अब मैं जाऊँ? हाँ, तुम अब जा सकती हो। जाऊँ? अरे नीचे आकर देखो तो सही। अरे मैं हूँ, मैं रतन रतन। ओ आप? आप? ये आप बाप क्या होता है? देखो डॉक्टर, हम देहाती गंवार आदमी हैं, यहाँ तुम्हारी फांसी नहीं चलेगी। सीधे सीधे तुम का हो तुम। अच्छी बात है, अच्छी बात है। अरे हाँ, मेरा लोटा कहाँ है? लोटा? अरे हाँ, लोटा 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 कैसा? अरे अजीब भुलक्कर आदमी हो, मेरे लोटे की बात याद नहीं, मरीजों के नाम कैसे याद रखोगे? अरे गाड़ी का पहिया निकालते वक्त तुम्हारे हाथ में दिया था ना वो लोटा, तो मैं गाड़ी में ही भूल गया। क्या बात, क्या बात डॉक्टर। देखो अगर बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं। कहो। तुम्हारे लोटे की कीमत क्या थी? कीमत? मेरा मतलब है कि तुम्हारा लोटा कितने का था? अरे कीमत की फिक्र मत करो, वो मैं तुमसे सोले आने वसूल कर लूंगा। वो कैसे? वही जो तुम्हारे दवाखाने में होती है, बोतल वाली बिलैती। तुम्हारा मतलब है? जाना दो, आज तुमसे मेरी पहली मुलाकात है, फिर कभी देखा जाएगा। अभी तुम थके हुए हो, आराम करो, अब मैं चलता हूँ। मैंने तैयार हो गया तो डॉक्टर को बुला दिया। अरे खुशी है, पापा आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। आइए डॉक्टर साहब, आइए आइए आइए। समझिए आज से खाना बनाने में देर हो गई, बाकी विद्या घर में बिना माँ के अकेली लड़की है, सारा काम उसी को करना पड़ता है। पर हम तो अभी बच्ची ना, इसलिए उसने क्या हुआ कंपाउंडर बाबू, मुझे तो वैसे भी खाना देर से खाने की आदत। अच्छा, तब तो हो गई छुट्टी। खाना लिया है बेटी? आइए आइए। ओ बच्चे, ये देहात का खाना आपको कहाँ अच्छा लगता होगा डॉक्टर? ऐसी तो कोई बात नहीं, यहाँ कम से कम अच्छा घी तो मिलता है, भला शहर में क्या रखा हुआ। हाँ ये तो है। कपड़ा साफ कर दिया ना? तुझे कब अगर आएगी? जाने दीजिए, अभी बच्ची का। अभी कौन कहता बच्ची है? इतनी बड़ी होगी समझ नहीं आती इसको अभी। डॉक्टर बाबू ये कौन पुकार रहा है? अभी यहाँ तो पुकारते ही रहते हैं सारा दिन, आप खाना खाइए। जल्दी जल्दी, कौन पुकार रहा है? दया दीदी, तू एक बार डॉक्टर बाबू को बुला दी, मेरे बच्चे का सर फट गया, खून निकलना बंद नहीं होता, बहुत देर से बेहोश पड़ा हुआ, बस एक बार भेज दो, नहीं तो मेरे इकलौते बेटे की जान चली जाएगी, फिर कभी नहीं बुलाने आऊंगा। तुम जरा ठहरो, डॉक्टर बाबू खाना खा रहे, मैं भी जाकर देखती हूँ। कौन आया जय? मच्छरों का सरदार झूमर, उसके लड़के का सर फट गया है, खून बंद नहीं होता, इसलिए डॉक्टर बुलाने आया। तुझे मालूम नहीं मच्छरों का इलाज यहाँ का डॉक्टर नहीं करता? क्यों? ये भी कोई पूछने की बात है? प्रेसिडेंट ने लोगों को समाज से बाहर किया हुआ, इनके यहाँ धोबी नाई डॉक्टर कोई नहीं जाता। वो कहता है कि किसी दिन नहीं आएगा, सिर्फ आज एक बार के लिए। तो फिर सिर्फ एक बार के लिए कहते डॉक्टर नहीं आएगा? नहीं, मुसीबत में पड़कर ही बेचारा बुलाने आया है, उसका लौटाना अच्छा नहीं होता, और फिर डॉक्टर का फर्ज भी तो कुछ होता है ना। चलो मैं चलता हूँ। अरे खाना खाए बढ़ा चले जाओगे? कोई बात नहीं, मैं वापस आकर खा लूंगा, मगर एक बात बता देता हूँ डॉक्टर बाबू, प्रेसिडेंट को पता चल गया झमेला हो जाएगा। मैं उनको बात तो समझा लूंगा, ये सरकारी दवाखाना है और यहाँ पर किसी से इलाज के लिए इनकार करना अन्याय नहीं बल्कि गैर कानूनी भी। हो गई छुट्टी? बड़ा है कानून बचाने वाला।
डॉक्टर बाबू क्या है जुम्मन तुम्हारी फीस इसकी कोई जरूरत नहीं है अपने पास ही रहने दो बच्चों की दवा ले आना कल सुबह मुझे बच्चों की हालत जरूर बता देना अच्छे वादे डॉक्टर बाबू गांव की पंचायत में और मथेरों में क्या झगड़ा है बस प्रेसिडेंट की मेहरबानी है लेकिन ये बात तुमसे कुछ नहीं लगे मथेरों के यहाँ गए थे क्या वहीं से तो आ रहा हूँ
वो बेचारा झूमर सुबह रोता हुआ आया था तो मैं चला गया था। किसी ने मना नहीं किया? कंपाउंडर बाबू ने मना तो किया था। फिर नहीं नहीं, वो तो बड़ी बड़ी बातें करने लगा। हाँ, बोला डॉक्टर का फर्ज है मच्छेरों के यहाँ नहीं जाना, सिर्फ अन्याय नहीं बल्कि गैर कानूनी भी है, और ना जाने क्या क्या पक्के चल दिया। हाँ हाँ, नौजवान लड़का है, अभी स्कूल में जोश है। अभी जोश क्या, सब जोश ठंडा हो जाएगा। जी, हम लोगों का फर्ज है उसे समझाना। हाँ, वो तो मैं समझा दूंगा, लेकिन दोस्तों तुमसे कुछ बात करनी। करो। बात यह है कि तुम्हारी लड़की बड़ी हो चुकी है। तो उसकी शादी ब्याह की भी तो फिक्र कर ली। हो गई छुट्टी, उसकी शादी ब्याह की फिक्र मुझे नहीं, तो क्या तुम्हें? अरे प्रेसिडेंट, मेरी अकेली ही तो बिना माँ के एक संतान है वो, मगर कोई ऐसा लड़का चाहता हूँ जिससे कि मेरी जान मेरे पास है। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है लड़का, समझो कि तुम अपने घर ही है। घर में? हाँ घर में। घर में कौन लड़का है? क्यों? हाँ मेरा शिव शंकर। हो गई छुट्टी। अरे प्रेसिडेंट, वो देखने सुनने में नहीं जचता, साफ बात है। अरे कंपाउंडर, रूप कभी मर्दों में देखा जाता है। शास्त्र में कहा है कि रूप, गुण और आयु, ये तीन लड़कियों में देखे जाते हैं। क्या होगा शास्त्रों में, मैं शास्त्र वास्त्र नहीं पढ़ता, गोकुल डॉक्टर खुद अपना शास्त्री है। हाँ लो, वो आ गया तुम्हारा डॉक्टर। धनुष के साथ जुटा है। कंपाउंडर, उसे कुछ समझाए? नहीं नहीं, ज्यादा आदमी जाने से गड़बड़ होता है, तुम अकेले अच्छा समझाओ। क्यों डॉक्टर? ओ आप, नमस्ते। नमस्ते। शहर करके लौट रहे हैं क्या? जी नहीं, तो जरा एक मरीज देखने चला गया था, ये मच्छरों की बस्ती। मच्छरों की बस्ती में? ये काम आपने ठीक नहीं किया, अनजाने ने एक अन्याय कर डाला। अन्याय? इसमें अन्याय की क्या बात है, आखिर वो लोग भी तो आपके गांव के ही लोग हैं। मगर आप नहीं जानते, हमने उन लोगों को समाज से बाहर कर दिया है। हमारे समाज के पंचायत के नियम को मानने के लिए वो तैयार नहीं है। और मीजा? हो, तो आपका मतलब ये है कि मीजा वालों का इलाज नहीं होना चाहिए? हाँ, इलाज नहीं होना चाहिए। अगर सबके साथ एक जैसा बर्ताव होने लगे तो बड़ों का बड़प्पन कैसा? अरे ऊंचा नीच में कुछ फर्क होना चाहिए। मैं वैसा फर्क नहीं मानता। नहीं मानते? मान जाओगे डॉक्टर, अगर नहीं मानोगे तो प्रेसिडेंट तुमसे जबरदस्ती मनवा लेंगे। क्यों प्रेसिडेंट? तो चुप रहे। सुनिए डॉक्टर साहब, जब आप हमारे गांव में हैं तो हमारे समाज के नियम मानकर ही चलना चाहिए। फिर आप तो लिखे पड़े नौजवान हैं, मैं आपको क्या समझाऊंगा, जो अच्छा समझे। मैं चलता हूँ। जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय श्री माँ की। देखते क्या हो डॉक्टर, देखते क्या हो, ये जय जगदम्बे जय जगदम्बे बस मुंह में ही रहता है, मगर दिल में कालिया नाग बजता है जहाँ मौका मिला। घबरा गए? घबरा गए? अरे भलाई के रास्ते पर घबराना काम नहीं आता, समझे? दोपहर में आप बिना खाए चले गए थे, इसलिए मैंने यानी बापू ने। घर में है तो निकाल कर देना, सात दिन से ढूंढ रही हूँ, मुझे तो कहीं दिखाई नहीं देता। बोल कहाँ खोकर आई है? कैसे दिया कि लोटा मैंने नहीं खोया है? हाँ हाँ, तुम क्यों खोने लगी? लोटे तो पर निकल आए थे ना, अब मैं आपसे उड़ गया। क्या हुआ माँ? हुआ मेरा सर, देखना मेरी सास के हाथ का कितना अच्छा मुरादाबादी लोटा तालाब पर भुलाई, और सबकी है मिल जाएगा। कैसे मिल जाएगा? अब तक तो कोई उठा कर ले गया होगा या पानी में डूब गया होगा। जरूर डूब गया होगा, क्यों तैरना आता है? अब जाओ तालाब में डुबकियां लगा लगा कर लोटा ढूंढो। देख देख जरा हंसी तो देख, अब हंसने से काम नहीं चलेगा, जैसे भी हो मेरा लोटा ला कर दे। नहीं माँ, लोटा माया ने नहीं खोया है, लोटा तो मैं उस दिन ले गया था। बहू का दोष छुपाने के लिए कहता है, मैं लेकर गया था, तू लेकर गया था, तू लेकर गया तो तू ही ला कर दे। हाँ हाँ हाँ, ला दूंगा, चल ही ला दूंगा। हम कहा तुम एक लोटे के लिए बखेड़ा करती हूँ। बखेड़ा? मैं बखेड़ा करती हूँ? समझ गई मैं तेरे लिए कुछ भी नहीं हूँ, जो कुछ बहू ही है ना,
तो तिल का तार बनाती है, झूठ मूठ माया का दोष दे रही है। क्या झूठ मूठ? आज तो ने मुझे झूठा भी बना दिया। तेरी बहुत अच्छी, अब तुम दोनों ही घर में रहो, मैं ही सही चली जाती हूँ। अपना घर समाज मैं जाती हूँ। बस बस, किसी को जाना नहीं होगा, मैं ही चला जाता हूँ। रतन रतन, अरे खाना खा कर जा, बस घर में टिकने नहीं दिया ना। मैंने टिकने नहीं दिया, नहीं तुम कुछ नहीं करती, जो कुछ करती हूँ मैं ही करती हूँ। बेचारा सुबह का गया घर खाना खाने आया था, मुकाई चला गई, अब जाओ ऐसे ढूंढ कर लाओ। भगवान मेरी तो जान आफत में है। अरे रतन तो देवता है साक्षात डॉक्टर बाबू, किसी के घर में कोई बीमार हो बुलाओ, किसी के घर में झगड़ा फसाद हो बुलाओ रतन, किसी के घर में कुछ काम काज हो बुलाओ रतन। अगर दोष है तो यही है कि शराब भांग तारीफ किसी से पढ़े दी है, मगर तुम लोग मना नहीं करते उसे। बाप रे बाप, उसे मना कौन करेगा, मैं तो उसे फूटी आंखों नहीं सुहा। मैं गांजा जीता हूँ ना, एक जी कहता है सौ कौड़ी का नशा है तेरा। तुम गांजा पीते हो? मैं गांजा तो पीता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी एक दो दम लगा लेता हूँ, आज से झूठ नहीं बोलूंगा। देखो बंसी, गांजा शराब जितने भी नशे होते हैं ना, इससे बहुत नुकसान होता है। मैं रतन को भी समझा दूंगा, और ये सब करना अच्छा नहीं होता। क्या अच्छा नहीं होता है डॉक्टर? अरे रतन आओ, तुम्हारा ही जिक्र हो रहा था, बहुत दिन जियोगे तुम। अरे हटाओ जिक्र करूंगा ही क्या, जीने की आपको इच्छा नहीं। क्यों, क्या हुआ क्या? अरे होगा क्या, लोटा लोटा। हाँ हाँ लोटा, एक दो बोतलें चल चुकी है। अरे चुपरा जो गरीब संख्या, ये कोई दो बड़ी का नशा थोड़ी है, कितनी दम उठाई बस नशा हो गया। डॉक्टर ये यहाँ क्या कर रहा है? जानते हो ये है सुना, लेकिन गाँव वाले इससे गहने नहीं बनवाते। चोरी निकालो भैया निकालो, इसे जरा मन को शांति मिले। जो लोग समझते हैं कि नशा करने से मन को शांति मिलती है वो बेवकूफ होते हैं। अरे वाह 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 वाह, अच्छा बात, अच्छा बात, तुमने क्या हम लोग का कल मन समझ रखा है। अरे निकालो बोतल। नहीं नहीं, दवा खाने में शराब नहीं मिलती। नहीं मिलती है? चलो मैं पूरी देता हूँ, मिलती है। रतन गुस्सा क्यों ज्यादा ड्रिंक करते हैं रतन बाबू? देखो तुलसी का रिश्ते पीएगा रतन। रतन जी तुम क्या कर रहे हो? दवाओं को इस तरह से हाथ नहीं लगाना चाहिए। तो फिर तुम खुद ही निकाल के दो ना। सच कहता हूँ डॉक्टर, बिलायती शराब मैंने कभी नहीं पी है। तो पीने की जरूरत भी क्या है, मैं तो कहता हूँ जो तुम पीते हो ना वो भी छोड़ दो तो अच्छा है। छोड़ दो? हाँ, तुम तो बिल्कुल बच्चे जैसी बातें करने लगे। अरे छोड़ना इतना आसान होता तो फिर क्या था। मैंने बहुत कोशिश की है मगर पड़ी ही लत छूटती ही नहीं। तुम अगर वापस छोड़ना चाहो ना तो मैं छोड़वा सकता हूँ। कैसे? दवाओं के जरिए। हाँ तुम्हें छोड़ा दोगे? हाँ। अरे वाह वाह डॉक्टर, मैं तुम्हारे पाँव पड़ रही हूँ। क्या कर रहे हो रतन? सच मानो डॉक्टर, अगर तुम शराब पीना छुड़ा दो तो मैं जन्म भर के लिए तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। अरे इसी वजह से तो घर में मेरी ब्याह तो अभी तक मुझसे नफरत करती है। किसी तो करती है। बापू आपको खाने के लिए बुला रहे हैं। किसको? तो खाना पीना यही हो रहा है? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो जो जर अच्छी तरह बनाया खिलाया कर, परदेशी आदमी है ना। अरे भाभी बाबू, माँ कहाँ से टपक पड़ी? हो डॉक्टर, तुम माँ से कह देना मैंने खूब शराब पी है और घोरने से भी। अरे मगर सुनो तो, मैं तुम्हारी माँ से कैसे झूठ बोलूंगा? अरे बोलोगे बोलोगे, मैं घर से नाराज होकर आया हूँ ना। रतन सुनो, रतन कहाँ? अंदर है। सब जंगली भंगोली जमा हुए हैं। अरे इस तरह क्यों पड़ा है, क्या हुआ? रतन ने शराब पी ली है। रतन ने शराब पी ली है? जई ये छोकरा कौन है? इसे पहले यहाँ तक कभी देखा नहीं? मैं यहाँ का नया डॉक्टर हूँ। अच्छा तो देखो, रतन को किसी ने पिला भी होगी, वो पीता उठा नहीं है। पीता है, पीता है, खूब पीता है। सुबह जाओ यहाँ से। चलो देखो, चल घर से खाना खा लो। मैं खाना नहीं खाऊंगा। अरे बहू पर कोई ऐसा गुस्सा कहता है भला? कहता तो हूँ, मैं नहीं जाऊंगा। क्यों? मेरे खाने के लिए नेता है। नेता? हाँ। कहा? जय ने मुझे खाने के लिए कहा है। मैंने बाजू, मैंने कुछ नहीं कहा। अरे तो उसमें शर्माने की क्या बात है, मुझे मालूम है रतन को तेरे हाथ का खाना बहुत पसंद है। अच्छा तब मैं चलू, बहू बेचारी भूखी बैठी होगी। तुम तो बड़े जबरदस्त आदमी हो, तुमको मैंने खाने के लिए कब कहा था? जगह
तेरे यहाँ खाने के लिए जब तक तरसी तो रहा हूँ ना। डॉक्टर निकालो। क्या वही बोतल? भाई मैंने तुम्हें अभी समझाया कि शराब किया तो चलो खाना खा लो। मैं खाना वाना नहीं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। भूख कैसे नहीं? देखो रतन, अगर तुम नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगा। अरे तुमसे लड़की की तरह करने लगे, अच्छी मुसीबत है। चलो चलो खा लेता हूँ। शाम दिखा चुके मारूंग तमाचा। बड़े हो मारने वाले, बुलाओ बाबू को। बुलाओ बाबू को, बुला ना बाबू। बाबू 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 जा, लड़की बड़ी अच्छी है। खाना खा लो। बस जरा बाहर जा रहा था, रोक लिया। कहो क्या करना है? क्या बात? बस तरीके बोलो ना, क्या कहना चाहती हो? सुना उस दिन तुमने गया कि यहाँ खाना खाया था? हाँ खाया तो था। क्यों? जया ने कहा था। इसलिए जया ने कहा था? नहीं तो क्या, मान कर खाया था? न मानो तो जया से पूछ लेना, कहो तो बुला लो। वो यहाँ आएगी क्या? क्यों नहीं आएगी, मैं बुलाऊंगा नहीं आएगी। अब और क्या सुना था? यही कि तुम दूसरी शादी कर रहे हो। किस दुख के मारे? मुझे तो चिंता नहीं। ये लो, ये औरतों की जादू क्या है, तुम लोगों के सब गृहस्थी निवारण अच्छी खासी मुसीबत है। न जाने कहाँ क्या सुनकर आई है और सवेरे सवेरे रोने लगी। भगवान अब तक नहीं कोई नहीं था। देखो माया, इस तरह रोना धोना मुझे अच्छा नहीं लगता। अच्छा लगे तुम क्या होते? खबर मैं कह देता हूँ, इस तरह मुझे परेशान करोगे तो मैं खुद की दूसरी शादी कर लूंगा। हाँ तो कर लो ना। कर लो ना बाबू। माँ बुला रही है। अच्छा मैं जा। क्या न जाने कहा क्या सुनकर आई है और अब बैठे बैठे रो रही है। जया लड़की बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी अच्छी है। अरे भागता कहाँ है? क्या कहना चाहती है? ये बात सच है। क्या? जो गाँव वाले कहते हैं। क्या कहते हैं? तो जया का आजकल तेरा बड़ा मेलजोल है, तुम वहाँ जाता आता है। हाँ हाँ जाता हूँ जाता हूँ। सुन जो रोना धोना किस बात का? चौथा लगाया है मेरे नाम पर? मैंने तो कुछ नहीं लगाया है ना, पर आप कभी सिद्धि रहेंगे? चुप रहो। क्यों चुप रहो? किसी का डर पड़ा है क्या? बस मैं आज ही कंपाउंडर के पास जाती हूँ और जया और रतन का ब्याह पक्का करके आती हूँ। हाँ अरे भाई खा ले, मीठी है मीठी। हेलो पैसी कितना कड़वी नहीं है। हाँ खा जा। हेलो मैं भी सोचूं कि ये भला आदमी गया कहाँ? ये क्या हो रहा है कंपाउंडर? होना क्या है, इस गांव के आदमी छोड़ गधे घोड़े भी मुझे ही ठीक करने पड़ते हैं। अब इसे भूख की बीमारी है, मेरी दो गोलियां खाने के बाद देखना क्या होता है। अब तुम ही सोचो रतन की माँ, वो अंग्रेजी डॉक्टर गांव में आ गया है, अच्छी भली मेरी होम्योपैथी चलती थी, आदमी घोड़े गधे सभी सुखी रहते थे, अब फिर से उसकी इंजेक्शन की सुइयां शुरू हो गई। अरे उन सुइयों से तो तेरी होम्योपैथी लाख गुना अच्छी है। अच्छी है? मैं कहता हूँ रतन की माँ, तेरे जैसी अकलमंद औरत और कोई इस गाँव में नहीं है। बोल बोल तुझे क्या बीमारी? बीमारी? अरे बीमारी हो तुझे? तुझे मालूम है ना, रतन की बहू को बाल बच्चा जो नहीं होता। अच्छा तो उसके लिए दवा चाहिए? उसके लिए भी यही दवा चले? सुना हुआ ऐसी बातें। सच कहता हूँ रतन की माँ, होम्योपैथी की एक खुराक से एक नहीं जोड़े होंगे जोड़े। जा तू, कल मैं तेरी बहू को देखने आ जाऊंगा। तेरे आने की जरूरत नहीं। अरे मैं तो आई थी जया की शादी रतन के साथ पक्की करने। हो गई छुट्टी? ये तू क्या कर रही? रतन की बीवी तो जिंदा है और फिर मैं सतन के घर अपने बैठी दूंगा अभी नहीं। अरे तू डरता क्यों है? साथ रहेगी तब ना। तो कहाँ जाएगी? झाड़ू मार कर भगाने वाली मैं जो बैठी हूँ। नहीं नहीं अपनी बेटी के लिए मैं किसी की जिंदगी खराब नहीं करूंगा। और फिर जाती शादी तो पक्की हो चुकी है। पक्की हो चुकी है? पाँच सात आदमियों के साथ? मेरा मतलब है कि पाँच सात आदमियों से बातचीत हो रही है। वो अपने गाँव का प्रेसिडेंट है ना, प्रेसिडेंट, उसके लड़के से भी बातचीत हो रही है। सुनो तो मुँह की बात है। अरे जाओ की शादी उस मुँह बंदर बहरे के साथ करेगा? क्यों बहरा? बहरा नहीं तो और क्या, इतना भी नहीं जानता। तो हुआ करे बहरा, मेरी होम्योपैथी की दवा बहरा तो क्या दूंगा भी ठीक कर। जन्म से बहरे को ठीक करेगा, वो भी दमड़ी की दवाई से। दे, 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 देखो रतन की माँ, खबरदार जो मेरी होम्योपैथी के खिलाफ एक बात भी कही तो बस हो गई छुट्टी। जाओ जाओ तुम जाते। क्या? अच्छा तो मैं जाता हूँ। जा जा। बड़ा आया घोड़े का डॉक्टर। अरे उस
इतनी सुंदर लड़की की शादी उस मुए बंदर बारे के साथ मैं तो बहुत तुम्हारी तंग आ गई। और बात का भी हो तो अभी बात आकर कहो जा खाना ला जल्दी कचोरी जाना है। कहती हूँ घर में जरा भी इंधन नहीं है, रसोई कैसे चलेगी मैं बता दी, जल्दी से लकड़ी काट ला। क्या काट ला? मेरा सर। आगे प्रेसिडेंट साहब कचहरी हाथ में लेकर क्या कर रहा है? बुआ क्या कहती है जानते हो? क्या कहती है? मेरा सर काट दे। कमला क्या है? खाना चाहिए ना? हाँ। अभी रसोई नहीं चढ़ी है, घर में ईंधन नहीं है, फिर से कह रही थी लकड़ी काट लाने के लिए। लकड़ी क्यों? कोयला क्या हुआ? कोयला क्या हुआ? बड़े प्रेसिडेंट बने फिरते हो, मालूम नहीं चार मन कोयले का दाम बाकी है। कोयले वाला मुंह पर उल्टी सीधी सुना गया। ये बजा दो कौड़ी का आदमी, वो क्या कहा? मैं उसके मुंह बोलूंगा। कमला सोच रहा हूँ क्योंकि शादी कर देगा देगा वो बंदोबस्त मैं कर लूंगा, बाद में मैंने चला रखी है। अच्छा तू देख एक काम कर, जल्दी से रसोई चढ़ा दे, कचहरी जाने के लिए देर ना हो जाए। सुना? हाँ। क्या सुना? सुना कि पेट्रोल डाली करेंगे। चाय लीजिए। ओ ला सुनो, तुम्हारे बापू कह रहे थे कि तुम बड़ी शरीर हो, दिन भर आम और अमरूद के दरख्तों पर चढ़ती फिरती हो, हर एक से झगड़ा करती रहती हो, मगर ये तो बताओ कि जब तुम मेरे सामने आती हो तो इस कदर घबरा क्यों जाती हो? नहीं तो नहीं कैसे? मैंने हमेशा देखा है कि जब भी तुम मेरे सामने आती हो तो कुछ खुश जाती हो, न जाने तुम्हारी वो शोखी वो शरारत ये सब कहाँ चली जाती है, ऐसा क्यों होता है? मैं क्या जानूं, मगर मैं जानता हूँ। Thank you.
डॉक्टर साहब आज सवेरे सवेरे ही निकल पड़े हैं। चाहे तो इंतजार तक नहीं किया गया। क्या हालत बना रखी है कमरे की। कबाड़ी की जैसी दुकान छोड़ कर चल गई। क्यों ना हो, एक मुफ्त की नौकरानी जो मिल गई है फिर क्या चिंता। और ऊपर से कहते हैं तुम मेरे सामने आते ही घबराते जाती हो। जया किसी से घबराती नहीं डॉक्टर साहब। मैं क्यों घबराऊंगी, कहेंगे मैं जानता हूं। क्या जानते हैं, जानते क्या हैं? बताऊं? क्या बताएंगे, यही ना। जया मुझे तुमसे प्यार हो गया है। आपको कोई इतराज है? आप क्यों घबरा गई? पिला देंगे, कह दीजिए आपको कुछ काम है। क्या हुआ? अरे चुपचाप खड़े क्यों हो, सुनो ना। आज मित्र के दिन चलेंगे, आज जरा मुझे कुछ काम है थोड़ा सा। बड़े आए काम का जी, यहाँ कौन सा मरीज बैठा है तुम्हारा, उतरो ना। नहीं रतन, आज वाकई में बहुत जरूरी काम निपटाना है, फिर किस दिन चलेंगे। उसे बाहर वाले में नहीं सुनूंगा, फिर चौबीस अरे मरीज तो तुम्हारे घर में ही मौजूद है डॉक्टर। ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन ये तो बताओ तुम्हारी इस मरीज को कौन सा मर्ज है? अच्छा नहीं है रतन भैया, मैं बाबू से कह दूंगी। अरे ये लड़की तो बार बार में बाबू का डर दिखाती है, जाना कह देना जाके डॉक्टर तुम्हारे शहर में अंधे कान या पाई लड़के बहुत से तो होंगे, एक आपका नाम पता तो बताओ, उसी के पल्ले मारते इसे गांव से विदा कर दूं। बड़े आए विदा करने वाले, तुम्हारे कहने से मेरी शादी किसी अंधे कान के साथ थोड़ी होगी। और नहीं तो क्या, तेरी शादी डॉक्टर जैसे लड़के से होगी। सुना डॉक्टर, जमीन पे रहकर चांद को छूना चाहती है। अरे तुम गंभीर क्यों हो गए? अरे भाई मैं गवार आदमी हूँ, न जाने क्या कहते कहते क्या मुझसे निकल गया। अरे अरे जी ये देखो रोते रोते चलिए, क्या मुसीबत है? डॉक्टर मैं तो तुमसे कह रहा था, ये लो तुमने भी मुंह लटका लिया। नहीं तो क्या। अच्छा डॉक्टर एक बात पूछो, कहो ये प्रेम रोग का इलाज तुम पहली बार कर रहे हो या एक दो बार और ही कर चुके हो? नहीं नहीं डॉक्टर मजाक नहीं, डॉक्टर मजाक नहीं, मैं कहता हूँ किसी की जिंदगी से मत खेलना, अगर प्यार करना है तो सच्चे दिल से प्यार करो, मगर हाँ एक बात याद रखना, ये तुम्हारा शहर नहीं है, गांव है गांव, मैं जो कुछ भी करो समझ बूझ के करना, समझे? अच्छा अब मैं चलता हूँ। कंपाउंडर बाबू ये दवा तैयार करके हम दे दीजिए, इसके लिए उनकी लड़की के लिए, उनकी लड़की को इस दवा की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि मैंने इसे होम्योपैथी की दवा दे दी। होम्योपैथी? जी हाँ होम्योपैथी, आप अच्छी तरह से जानते हैं होम्योपैथी एलोपैथी की माँ। समझते हो हमारी होम्योपैथी में हंसते हो? हंसते नहीं तो क्या करूँ कंपाउंडर बाबू, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं होता। नहीं होता? नहीं बिल्कुल नहीं। तो फिर हो गई छुट्टी। क्या मतलब? मतलब ये कि हमारी कॉल नहीं बदलेगी, आज से बोलकर बंद, और ज्यादा बातचीत करो तो मारपीट हो जाए। तो आप मेरी कंपाउंडरी कैसे करेंगे? नहीं करूंगा साहब, ये लीजिए 10 रुपए की कंपाउंडरी की धमकी देते हो, छुट्टी।
बड़े मजेदार आदमी वाले होते। क्या कहा? मजेदार आदमी मैं होता हूँ। हाँ मैं मजेदार आदमी। आज से मेरे घर आना, खाना खाना और चुपके से चले जाना, बातचीत नहीं करना। मगर ये कैसे हो सकता है? आपके साथ काम करूं, आपके यहाँ खाना खाऊं और आपसे बात ना करूं? हाँ नहीं करोगे, वरना कहीं और खाने का बंदोबस्त कर। मैं कल से रतन के यहाँ खा लिया करूँगा। रतन के यहाँ कैसे खा लिया करोगे? आज तक कोई डॉक्टर यहाँ नहीं आया जिसे मेरे घर में खाना न खाया हो। रतन के यहाँ खा लिया करूँगा क्या किया? ये अजीब मुसीबत है, आप न तो मुझे यहाँ खाने देंगे और न किसी और से यही खाने दूंगा। तो मेरे घर में खाना खाओ और मेरी होम्योपैथी को बदनामी करो। अच्छी बात है कंपाउंडर बाबू, मैं बदनामी नहीं करूंगा। आपकी होम्योपैथी बहुत अच्छी, बहुत। इससे सोच समझ के बात किया करो ना, वरना हो जाएगी छुट्टी। लाओ गया। तुम्हारे बापू तो बड़े दिलचस्प आदमी वाले होते, अपने आगे किसी की सुनते ही नहीं। मुझे क्या मालूम था कि होम्योपैथी की बुराई करने से कदर भी करते हैं। अरे तुम कहाँ चली? ओहो समझ गया, तुम्हारे बापू की होम्योपैथी की बुराई की है, इसी वजह से शायद तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती। हम भला आपसे क्या बात करेंगे, आप बड़े आदमी हैं, बड़े डॉक्टर हैं, आप तक हमारी पहुँच कहाँ? हम तो किसी अंधे काने लंगड़े लूले से ही बात करेंगे। अच्छा तो गया के रतन की बातें दोहराई जा रही हैं। तुम तो जानती हो गया के रतन किस कदर सनकी आदमी है, एकदम पागल, जो कुछ उसके मुंह में आता है बकता चला जाता है। उसकी बातों पर तुम ध्यान नहीं दे देती हो। रतन भैया ने ठीक तो कहा था। अच्छा और नहीं तो क्या? ठीक है, अगर मेरे यहाँ रहने से तुम लोगों को तकलीफ होती है तो मैं कहीं और चला जाऊंगा। उधर कंपाउंडर बाबू मुझसे बात नहीं करेंगे, इधर तुम नहीं बोलोगी तो क्या मैं दीवारों से बात करूंगा? मैंने सब कहा था, नहीं बोलूंगी। अभी तो कहा तुमने। वो तो सुबह रतन भैया ने कहा था, इसीलिए। तो ये तुम्हारे मन की बात नहीं? तुम भी कितनी पगली, अब मेरा यहाँ से जाना इतना आसान थोड़ी। तुमने तो आम रास्ते रोक रखे। मेरी तरफ देखो, हंसो हंसो।
रंग भरे सपनों की दुनिया सजाने प्यार करते हैं जमाने का हमें डर कैसा प्यार करते हैं जमाने का हमें डर कैसा मेरे संग पिया घबराए मुरादिया रे हाय कोई देख लेगा देख लिए गोरी दुनिया की मेरे पूरे कोई क्या देख लेगा देख लिए गोरी दुनिया की मेरे पूरे कोई क्या देख लेगा कोई क्या देख ले अच्छा मैं ही देख लेता हूँ जय जगदम्बे जाते जाते उसको बैठे हर रोज चल जाता अभी चल बोलते रहेंगे बोलचाल बंद तुम्हारे साथ बोलचाल बंद रहे रहा करे उसका क्या बिगड़ता क्यों हमारी लड़की के साथ तो मीठी मीठी बातें चलती है अरे मैं अपनी आंखों से देख कर आया हूँ कि नदी किनारे दोनों हाथ में हाथ डाले गाना गाते फिरते हैं गाना गाते हाँ अच्छा नहीं गाना मना कर दूँ तुम्हारे मना करने से सुनेगा कौन जवानी भला किसकी मानती है मेरी मानो तो जल्द ही लड़की की शादी कर दो कहते तो तुम सीखो मगर ये डाटे का मोट तुम्हें बैठे तो नहीं मानता फिर भी लड़का अच्छा है मगर मैं तो बात नहीं करूँ प्रेजेंट तुम जरा डॉक्टर से मेडिकल से बात कराते देखो ना डॉक्टर मैं जगदम्बे जैसी माँ की इच्छा बेटी तुम्हारी है गोकुल तुम ही बात कर लो मगर हाँ एक बात कह देता बेटी की शादी अगर डॉक्टर से करोगे तो तुम्हारी बड़ी खुआरी होगी इतना प्रपंच होगा कि गांव में रहना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा हो जाने दो ज्यादा प्रपंच होगा हाँ तो फिर रहने को कोई छाजवाजी की जरूरत नहीं मैं पूछता हूँ तुम इस डाटो को यहाँ लाए क्यों अच्छी खासी मेरी होम्योपैथी चल रही थी तुमने लाकर जान डाल दिया निकाल दो भगा दो बता दो निकाल दो भगा दो पहले से ही तो काम नहीं चलेगा ये पांच पंचों का मामला है पंचायत की बदनामी हो जाएगी मैं कौन होता हूँ मैं तो तुम गाँव वालों का सेवक हूँ जो तुम लोग कहोगे वही मैं करूँगा कैसे करो मेरी जो की शादी तुम अपने सिर के साथ ही करो हाँ तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या क्योंकि शादी जया के साथ करोगे कंपाउंडर राजी हो गया राजी कैसे ना हो बिरादरी से निकाल नहीं दूंगा क्यों नहीं सरपंच ठहरे मगर दादा तुम्हारी नजर जया पर ही जाकर कैसे पड़ी कंपाउंडर के पास काफी रुपया पैसा है सर बहुत बहुत लोग कहते हैं कंपाउंडर ने बहुत सा धन जमीन के नीचे डाल रखा वही तो मैं कहूँ ऐसे तो दादा किसी तरफ हाथ बढ़ाते नहीं है अब समझी खूब दिन रात जय जगदम्बे रखते फिर और मन में किसी न किसी के सर्वनाश की चिंता चुप रह सीधी तरह से बात करना नहीं आता सीधी बात तुम सुनते कब हो मैं कहती हूँ टीका भी अगर करना ही है तो उस जैसी लड़की से ही करो क्यों जो आज उसी लड़की का जीवन नष्ट करते हो बस बस रहने दे देखता हूँ तो ये शादी तोड़ देगी हुआ क्या हुआ पिताजी मुझ क्यों बुलाए अब उन्हें भाग छोड़े ही अच्छा लगेगा उन्हें ये चिंता लगी है कि गोकुल की पूजी का हाथ लगे कैसी हो बात बिल्कुल कच्चा है धन्य हो कैसी हूँ जरा अच्छी तरह बनकर चिपाया कर जया के साथ तेरी शादी होगी किसके साथ जया के साथ मगर मेरी समझ में ये नहीं आता कि आखिर दयाशंकर बाबू ने हमें देखकर चलिए आपकी समझ में भला कैसे आएगा मगर मैं पूछती हूँ कल आपको यहाँ आने के लिए किसने कहा था अच्छा तो गया कि वो कुछ मेरा ही था और गाना जो आपने पहले शुरू किया गाना शुरू किया था जब फिर के साथ मेरी शादी हो जाएगी तो मजा आ जाएगा हाँ मजा तो आ ही जाएगा आखिर प्रेसिडेंट के बेटे अब ये तो बताइए क्या करना चाहिए अरे यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि क्या करना चाहिए सोच रहा हूँ हाँ? आप तो बस सोचते रहिएगा आपसे कुछ नहीं होगा जो करना हो मैं ही करूँगा जरा सुनो तो हाँ
पानी लाने गए थे। कान तो बहरे हो ही, अब आंखें भी फट गई क्या? मैं सोच रही हूँ, कान तो बहरे हो ही, अब आंखें भी फट गई क्या? चल चल ऐसा करते हैं। सुन क्या बोल सदम, मैं ये हम लोग गोपालपुर जा रहे हैं सिनेमा देखने, तू भी चल। तू भी चल, मैं क्यों जाऊंगी तेरे साथ? मैं क्यों जाऊंगी तेरे साथ? क्यों, क्या हुआ? मेरे साथ तो तेरी शादी होगी। अच्छा, जानती नहीं, पिताजी ने कहा है। चलो जी ना। इधर बैठ। यहाँ? हाँ हाँ यहाँ। यही तो यहाँ से दवा कोई नहीं दिया थे, वो कहते हैं एलोपैथी हमको पसंद नहीं, होम्योपैथी हमारे वास्ते अच्छा इलाज। तो ठीक ही तो कहते हैं, एलोपैथी के इलाज के लिए पैसे किसके पास? मगर पैसों किसने क्या जरूरत है? क्या आप नहीं जानते कि खराब की दवा खाना है और यहाँ पैसे नहीं लगते? तो हुआ करे, फिर भी लोगों की बहुबद्दी यहाँ दवा खाने में आएंगी। टाइफाइड और निमोनिया तो मेरे यहाँ चल के आया करेंगे। क्या वो नहीं आएंगे तो मैं चला जाया करूँगा, उसमें क्या हुआ? मगर तुम्हारी फीस कौन देगा डॉक्टर बाबू? यहाँ दो चार आने देने वाला कोई नहीं, पाव दो पाव चावल मिलेंगे, फिर दो से बैंगन मिल जाएंगे। लोगे? मैं फीस नहीं लूंगा। बस तो फिर हो गई छुट्टी, फीस नहीं लोगे तो यहाँ तुम्हें कोई डॉक्टर भी नहीं मानेगा। बोलेंगे डॉक्टर कह रहा जो फीस ही नहीं लेता, कहीं ठिकाना नहीं मिलेगा, आज एक गाँव में मरने के लिए। जो जिसका भी चाहे बकवास किया करे, मुझे परवाह नहीं, मगर मैं मरीजों का इलाज जरूर करूंगा। इलाज क्या साथ करोगे? एक इंजेक्शन लेने में लोगों के बर्तन दिख जाएंगे। यहाँ से गाँव के लिए होम्योपैथी अच्छी है डॉक्टर बाबू। होम्योपैथी अगर अच्छी थी तो आपसे कुनैन क्यों दी? कौन कहता मैंने कुनैन दी? मैंने अपनी आंखों से इसके घर में कुनैन की गोलियां देखी। हाँ तो क्यों ना देता कुनैन? कुनैन दवाई होम्योपैथी की तो मैं एलोपैथी वालों ने चढ़ा ली है। मलेरिया में कुनैन दूंगा क्या दूंगा? तो मलेरिया नहीं था, आप तो आता जाता कुछ नहीं दवा दे दिया करते। आप एलोपैथी होम्योपैथी कुछ नहीं जानते। क्या कहा? मैं होम्योपैथी नहीं जानते। बिल्कुल नहीं जानते। चलाइए मतलब जो मैं कर रहा हूँ कीजिए, लीजिए ये दवाई से बना कर दीजिए। मैं नहीं बनाऊंगा, मैं होम्योपैथी नहीं जानता। अच्छी बात है तो हो गई छुट्टी। जल्दी मैं होम्योपैथी नहीं जानता, अभी बताता हूँ तुझे मैं क्या क्या जानता हूँ। अगर मैं होम्योपैथी नहीं जानता तो तेरे घोड़े का इलाज सिर्फ गधे ने किया था। वो तेरे चक्के तुम्हारा घोड़ा दो कदम नहीं चल पाता। ये दो का डॉक्टर की होम्योपैथी का कमाल है कि वही घोड़ा आज बनाफन होने लगा। जय समझदार, आज से डॉक्टर से बातचीत बिल्कुल बंद, और बातचीत का दाना दाना भी बंद, और ये दरवाजा भी बंद कर दे। एक बार पहले भी इसने मेरी बुराई की, मेरा अपमान करेगा और मेरी लड़की का घर जाएगा, नहीं जा सकता। और इसका खाना भी बन कर दिया, जब मैं जो खाई थी देखता हूँ क्या खाता। मुझे होम्योपैथी नहीं आती ना, मैं आज इसको होम्योपैथी की पूरी किताब रख के बताता हूँ कि मैं क्या जानता हूँ। हो गई छुट्टी। लेकर बैठ गए, खाना नहीं खाओगे? नहीं खाऊंगा, जब तक पूरी किताब नहीं रखूंगा खाना बिल्कुल नहीं खाऊंगा। हो गई छुट्टी। आज मैं बता दूंगा कि होम्योपैथी का बनाया और गोकर का बनाया। हाँ कहाँ गया कम्बा? ये आसानी था, आसानी था। सख्त जलन पैदा करने वाला दर्द जैसे तन में आग लगी, सख्त जलन पैदा करने वाला दर्द जैसे तन में आग लगी। नक्सानी था, अंदर जाया बाहर गर्मी, बाहर जाया अंदर गर्मी, अंदर जाया बाहर गर्मी, बाहर जाया अंदर गर्मी। महरी था, अंदर बाहर दोनों गर्मी, महरिका अंदर बाहर दोनों गर्मी, अंदर बाहर दोनों गर्मी। अरेका अरेका हड्डियां टूटी, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, पीठ में दर्द हो, हड्डियां टूटी। अरेका अरेका हड्डियां टूटी, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो। अरेका अरेका हड्डियां टूटी, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, पीठ में दर्द हो, हड्डियां टूटी। अरेका अरेका हड्डियां टूटी, पीठ में दर्द हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, घुटने दुखते हो, पीठ में दर्द हो, पीठ में दर्द हो।
नहीं, हमारे यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा। यहाँ जीता है बंदोबस्त कीजिए। मेरे बापू का अपमान करेंगे, ऊपर से मेरे साथ गाना गाएंगे। हाँ ये ठीक है, सुना दो सीधे खड़ी खड़ी। मैं हमें पैसे नहीं जानता। हम लोग आपसे नहीं बोलेंगे, मैं भी नहीं बोलूंगी, बापू भी नहीं बोलेंगे। बस सब खुशी। जल्दी से खाना खा लीजिए, बहुत देर हो गई। क्या बात है? मैंने अच्छी तरह सुना दिया है, साफ साफ कह दिया है कि हमारे यहाँ आपको खाना नहीं मिलेगा। कह दिया ना? हम्म। अच्छा क्या? बहुत अच्छा। अच्छा क्या ना? हाँ चलो बापू, हम लोग खाना खा लें। हाँ चलो खाते। मगर सुन तो, क्या है बापू? मैं कहता हूँ ये परदेशी और तंबक शादी ब्राह्मण, भूखा तो नहीं पड़ रहेगा? रहने दो ना, जैसे करनी वैसी भाभी। तुम्हारी होम्योपैथी की बुराई की है ना? हाँ वो तो की है, मैं होम्योपैथी नहीं जानता। कैसे जुर्माने फाइल मारती तू? ठीक कहती है, पड़ रहे भूखा, चल खाना खाते। हाँ मगर ये ठीक रहेगा ना? क्या यही से हम लोग तो खाएं और वो बेचारा माँ बाप से दूर प्रदेश में भूखा पड़ रहे हैं? अच्छा नहीं लगता जी। अच्छा जा तो आगे से बुलाई। हाँ मगर उसे कह दीजिए तब से अपना बंदोबस्त कर ले। मैं नहीं बुलाऊंगी, अगर बुलाना है तो तुम खुद बुला लो। बस मैं तो जाऊँ, मैं नहीं जाऊँ, मेरे से बातचीत बिल्कुल बंद। तो क्या हुआ, आज के दिन और कर लो, कल तो मत करना। आज के दिन कर लूँ? अच्छा तो कैसे तो कर लेता, मगर उसे कह देना कि रोज की आदत अच्छी नहीं है। हाँ बापू बिल्कुल। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर डॉक्टर खाना खा लो। अरे ये सही हो गई छुट्टी? जल्द जल्द क्या है बापू? अरे वो तो खाना खा रहा है। कैसे हाथ छोड़ कैसे पूछिए कैसे? मेरा मतलब है उसको खाना कहाँ से मिल गया? अरे यही तो मैं पूछता हूँ, उसे खाना कहाँ से मिल गया? तू तो उसे खाना नहीं देता। नहीं बापू, तुम भी कैसे बातें करते हो, वो तुम्हारी होम्योपैथी की बुराई करे और मैं उसे खाना दूँ, उसे गाली दूँ गाली। हाँ ये तो मैं जानता था, मैं भले ही तरफ खा जाऊँ मगर तू तरफ खाने वाली नहीं। मगर फिर भी उसको खाना किसने दिया? मैं बताऊँ? बोलो। जरूर कोई मरीज दे गया होगा। मरीज? तब तो हो गई छुट्टी। अरे अगर उसने भी दाल रोटी पर डाकनी शुरू कर दी तो अपना क्या बनेगा, अपने को तो पहले ही दो बैंगन मिलते हैं। अरे तुम टीसी मत लेना। क्या कहा? टीसी ले लूँ तो भूखा मरूं? क्या हुआ, हम लोग गांव वाले हैं, दो चार दिन नहीं खाएंगे। मगर ये शहरी डॉक्टर है ना शहरी डॉक्टर, एक दिन खाना नहीं मिला तो यूँ भाग जाएगा। भूखा ही भागेगा, होम्योपैथी का मुकाबला करने आया? अरे पहले भूखा मरना सीखा डॉक्टर, भूखा मरना। चलो हम लोग खाना खा लें। हाँ तो खाऊंगा खूब खाऊंगा, तो फिर पकाने के फाटे करने ही पड़ेंगे। चलो जाओ खाना। बस आज आप खा लीजिए, कल से अगर जरूरत पड़े तो खुद बनाइएगा। सुबह सुबह आता है ना, खाना पका सकते हैं? कोशिश करूंगा, कोशिश करने से इंसान क्या नहीं कर सकता। तो कोशिश करके बापू के साथ सुना क्यों नहीं चले, ये झगड़ा ही मिल गया। तुम्हारे बापू अगर बात बात से नाराज हो जाया करे तो उसे मेरा कोई कसूर है? होम्योपैथी के बारे में एक लफ्ज भी कहता हूँ तो उनकी आग लग जाती। आप होम्योपैथी के बारे में कुछ कहते ही क्यों हैं? वाह वाह, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं, फिर भी कहूँ कि अच्छी है। हाँ सुनना पड़ेगा। ये मुझसे नहीं होगा। नहीं होगा ना? ठीक है, हो या ना हो मेरा क्या है, कल से खुद पकाइएगा और खाइएगा। बापू का हुक्म है मैं यहाँ नहीं आ सकती। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है? बापू बुला रहे हैं, आप उनसे जाकर कहिए मैं यहाँ नहीं हूँ। मैं झूठ ही बोलूंगा। तो मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, चलिए ना चलिए। आप
क्या कुछ कह रहे हैं? मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, यही ऊपर है। गया तो ऊपर नहीं। नहीं, ये तो क्या हुआ? कंपाउंडर बाबू, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। सुनिए सुनिए राव, मैं पूछ रहा था कि अगर किसी के सर में सुबह से दर्द हो तो उसकी कोई दवा है आपकी होम्योपैथी? नहीं, तुम मुझे बुला कर रहे हो? तो होम्योपैथी में सर के दर्द की दवा नहीं? कौन बोलता, कौन बोलता होम्योपैथी में सर के दर्द की दवा नहीं है? होम्योपैथी में सर का दर्द, आंख का दर्द, नाक का दर्द, मुंह का दर्द, दिल का दर्द, हर दर्द की दवा। तो मुझे भी ये ना जरा नहीं दूंगा। जिन लोगों को होम्योपैथी में विश्वास नहीं है, मैं उनका इलाज नहीं करता। देखिए, होम्योपैथी में मुझे विश्वास नहीं था, मगर आज सुबह जब मेटीरिया मेडिका खोली तो उसमें सतह पर लिखा हुआ था। क्या लिखा था? यही कि होम्योपैथी भी अच्छा इलाज। लिखा था ना, तो फिर हो गई छुट्टी। ये जो आजकल के अनाड़ी जाते हैं ना, ये वो सफा पर नहीं भूल जाते। मगर मैंने तो पढ़ा था। तुम्हें पढ़ा? नहीं, तुम बड़े अच्छे लड़के हो। मैं तुम्हारा इलाज करूँ। तुम्हें सर के दर्द की दवा चाहिए? बेस्ट दवा नहीं, अरनी अरनी का। हाँ, हर दर्द की दवा अरनी का। अरनी का? हाँ। अंदर आओ, आओ बैठो बैठो। अब बोलो क्या बात। सर में दर्द होता है ना? जी हाँ। सर में दर्द होता है तो सर घूमता है या फटता है? जी शायद घूमता होगा। शायद जो होम्योपैथी में शायद नहीं चलता, तुम्हारी एलोपैथी में होता होगा शायद। दर्द कितनी देर रहता है? जब तक सही है। मेरा मतलब ये है कि सारा दिन रहता है। तो ऐसा बोलो ना, सारा दिन रहता, सारा दिन दर्द रहता है। अरनी का, अरनी का, अरनी का, अरनी का। ये लो, एक खुराक से तुम्हारा दर्द खत्म हो जाएगा। ये खुराक अभी खा लो, लो। अच्छा चलो, कुल्ली कर लो, मैं पानी ला लूंगा। मैं इसको अपने कमरे में ले आता हूँ, वहाँ कुल्ली करके अच्छी खुराक खा लूंगा। एसी? अच्छा लो, कुल्ली एसी का कर लेना, ताकि ये एलोपैथी की बदबू तुम्हारे मुंह से निकल जाए। हाँ, लड़का बुरा नहीं, थोड़ा बेवकूफ है, मगर अच्छा। ये लो दवा ले आया, अरनी का। सब देवी से एक फुट पानी के साथ खा लीजिए और चादर तान के सो जाइए, सब रोग दूर हो जाएंगे। सब रोग दूर हो जाएंगे? तो फिर ऐसा करते हैं कि हम दोनों ही खा लेते हैं। वाजी, आपकी दवा मैं क्यों खाऊंगी? इसलिए कि रोग तो हम दोनों को लगा है। अच्छा। और आप तो समझो मजे नहीं है, क्यों डॉक्टर? हाँ अच्छा ही है, मजे में रहना ही अच्छा है। जय जगदम्बे, जय श्री माँ की इच्छा। गोकुल कंपाउंडर आओ, प्रेजेंट आओ, आओ। कैसे आज? देखो कंपाउंडर, अगर अगर तुम अपनी जवान लड़की को इस तरह डॉक्टर के साथ मिलने जुलने दोगे तो मेरे लिए उसे अपने घर की बहू बनाना मुश्किल हो जाए। नहीं नहीं जैसे, ये डॉक्टर लड़का अच्छा है। क्या कहा? अच्छा लड़का, डॉक्टर लड़का अच्छा हो गया। अरे दो दिन पहले कहते थे कि तुमसे रोज झगड़ा किया करता है, तुमसे बोलचाल बंद है। नहीं, वो बोलचाल खुल गई है, लड़का सचमुच अच्छा है। हाँ लड़का अच्छा, मगर ये उम्र अच्छी नहीं। उम्र की बात छोड़ो प्रेसिडेंट, अपनी तुम्हारी क्या उम्र है? फिर भी कोई जवान लड़की नजर आ जाए एक बार छुप के जरूर देखेंगे। जय जगदम्बे। देखो कंपाउंडर, एक बात तुम साफ कह दो कि अपनी लड़की की शादी मेरे सिर से कर रहे हो या नहीं? प्रेसिडेंट जया की शादी सिर के साथ क्या करूंगा? क्यों? सुना वो कान से बहरा है। बहरा है? क्यों बहरा है? कौन कहता है? गाँव में सभी कहते हैं, तुमने नहीं सुना? सुना तो तुम भी बहरे हो। देखो देखो कंपाउंडर, मजाक मत करो। बोलो बोलो कौन कहता है, बोलो, मैं खुद पूछूंगा। लो वो रतन आ गया, उसी से पूछ लो। रतन जाओ तो। क्या बात है रतन बेटा? अरे बापरे बापरे बाप, आज बड़े खातिरदारी हो रही है, मामला कुछ नहीं नजर आता है। सुनो कंपाउंडर, सुनो पगड़ी की बात सुनो। पूछो पूछो।
अपनी शिव की शादी गोकुल की विद्या जया से कर रहा हूँ। गोकुल कह रहा है मना तो नहीं कर सकता मैंने सबका। अरे कहूँ या तुम कहो एक ही बात है ना। क्यों क्यों नहीं क्यों नहीं। तुम ठहरे गांव के मुखिया गांव के लोगों का उत्साह तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा। लेकिन की शादी ठीक है। अरे वाह वाह वापस क्या अच्छी जोड़ी रहेगी यार। जोड़ी अच्छी रहेगी हाथ जोड़ी रहेगी। वो तो थोड़ा कान से भरा है मेरी जा भी भरी है क्या। अरे पता नहीं कंपाउंडर किसने तुम्हें कहा है। रतन जानता है पूछ लो। रतन बहरा है नहीं नहीं बहरा नहीं है। कौन कहता है शिव बहरा। प्रेसिडेंट के लड़के कभी बहरा हो सकता है। हाँ बात यह है बड़े आदमी का लड़का है ना छोटी छोटी बातों पर ध्यान नहीं देता। जोर जोर से बड़ी बड़ी बातें करने से सुनता है। ऐ रतन तुम्हें मजाक करता है। ये लो अभी अभी दामाद की तरह खातिर कर रहे थे। आओ रतन बैठो रतन। क्या मैं नहीं जानता हूँ किसलिए तू ये शादी तोड़वाना चाहता। क्या जानते हो भाई मेरे घर में झगड़ा फसाद मत कर। तुम चुप रहो कंपाउंडर गांव की कोई बात मुझसे चुपी नहीं है। रतन खुद जया से शादी करना चाहता। वाह झूठ कहना चाहता। अच्छा कंपाउंडर तुम्हें कहो अच्छा या झूठ बोलो। रतन की माँ ने एक बार बात तो चलाई। अरे माँ की बात छोड़ो कंपाउंडर वो तो न जाने क्या क्या कह जाता। हाँ 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 पोल खुल गई तो हंसी से उड़ाना चाहता है। मेरा लड़का देखने में अच्छा नहीं कानों से बहरा है और आप जैसे राजकुमार हैं रिश्ता बहुत अच्छा होगा कंपाउंडर। झगड़ा लो साथ कर दो रतन से शादी कर दो तुम्हारी लड़की बहुत सुखी रहेगी। अरे सुनो ना प्रेसिडेंट अरे कौन रतन से शादी करता है। कर दो ना रतन से हो डॉक्टर से कौन मना करता है। लेकिन कंपाउंडर एक बात कह देता हूँ कि तुम्हारी लड़की की शादी किसी से ना हो पाएगी। जो रंगन अभी से दिखाई दे रहा है उससे शादी से पहले ही। झगड़ा मत करो रतन भैया। हाँ ठीक है मैं झगड़ा नहीं करूँगा। लेकिन प्रेसिडेंट गांव की एक मासूम लड़की को तुम खामोखा बदनाम करते फिरोगे इसीलिए आज मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ वरना तुम्हारी जबान कंपाउंडर तुम्हें गवाही देनी होगी। मैं रतन के ऊपर हाथ तक इस दर्द का दावा लाऊंगा जरूर। नहीं प्रेसिडेंट ये दावा मुकदमा ठीक नहीं है। मैं अपनी बेटी के बारे में कोई झगड़ा झंझट नहीं चाहता हूँ। सुनो तुम्हारा बहरा है ना तो मैं कहता हूँ लंगड़ा गुलाबी हो जाए तो मैं जय की शादी उससे कर दूंगा। माँ क्या है क्या है तुम्हारी अकल मारी गई है क्या। सुन गई कि जया के साथ मेरी शादी रसन तो क्या हुआ। मैंने अब तय कर लिया तेरी दूसरी शादी कर दो। क्यों क्यों मेरी कोई साथ नहीं है क्या। 7 साल हुए कब्रे किए बैठी हूँ। देखना सारा काम काज पड़ा है। शाम हो गई है रसन चढ़ाने का नाम है। उसी दिन वाला बच्चे को लेकर बैठी है। रहने दो ना माँ अगर थोड़ी देर के लिए पराए बच्चे से ही दिल बहलाती है तो बहलाने दो। मैं भी दूसरी बहू ले आती हूँ। अगर जया तुझे ना पसंद है तो दूसरी लड़की खोज कर जा लाऊंगी। हाँ वही करो जा ही लाओ। जमीन
इधर उधर की बातें करके मुझे बहलाने की कोशिश मत करो। मैं सब जानता हूं मरे, लेकिन इस तरह रो रखे तुम्हें क्या मिलेगा? अब जाओ जल्दी से रसी चढ़ा, नहीं तो माँ फिर दरबाराने लगेंगे। मुन्ने को मैं देखता हूँ। देखना क्या, देख के रहने से काम नहीं चलेगा बिहारी। अगर जया की शादी फिर से करानी है तो उस डॉक्टर को इस गांव से निकालना ही पड़ेगा। शहरी आदमी है, कोई भरोसा नहीं। किसी दिन छोकरी को लेकर गांव से भाग गया तो? जी हाँ, कोई भरोसा नहीं। तो दादा फिर डॉक्टर को गांव से विदा करने का कोई बंदोबस्त करो ना। वो तो मैं करूंगा, लेकिन मेरे अकेले करने से क्या होगा? पंचायत भी तो है। दादा की बात, पंचायत तो तुम ही हो। कोई भला तुम्हारे खिलाफ जाएगा जो तुम कहोगे वही सब दोहराएंगे। हाँ वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन मुझे अंदेशा है। अरे वो रतन की वजह से वो सीधी तरह से थोड़ा ही मानेगा। सीधे नहीं तो तेरे सही छल बल कौशल इनसे काम लो। कौशल? हाँ ये तुमने ठीक कहा बिहारी। जी हाँ, डराने धमकाने से रतन राह पर नहीं आएगा। लखनवार आदमी है, सच पूछो तो दादा उसे देखते ही मेरा कलेजा कांप उठता है। कुछ ऐसी तकदीर निकालो कि सांप भी मरे और लाठी भी ना पी। बिहारी एक काम करो, खबर कर दो कल सुबह होते ही सब काली मंदिर में आ जा, कहना जरूरी मीटिंग है। समझे? रतन के बारे में वो मैं दे दूंगा। तो दादा फिर मैं चलू? हाँ जय जगदम्बे। बात बहुत बढ़ चुकी है, अब हम लोग बात पूछने आए हैं। क्यों प्रेसिडेंट? हाँ क्यों डॉक्टर साहब, कर क्या रहे थे? जो चेहरे और हाथ में काली लगी हुई है। अंग्रेजी चल रहा था वो क्यों?
कंपाउंडर बाबू ने कहा है कि अब से मुझे अपने साथ नहीं खाने देंगे। अच्छा, तो इसीलिए उसकी लड़की आई थी, आपकी अंगूठी सुलगाने के लिए। अच्छा, सुंदर और जवान लड़की हाथ बटाने के लिए मिल जाए तो इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आपसे मुझे ऐसी बात सुनने की उम्मीद नहीं, यही ना। लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे भी हमें ये उम्मीद ना, गांव वाले आखिर अंधे तो नहीं है और पहरे भी नहीं है, हमें सब पता है, दोनों नदी किनारे गाना गाते हैं। गाना कमाल कर दिया उस्ताद, गाना भी गा चुके। अब आप ही बताइए, पहले पिक्चर में दोनों चले होते। हाँ बताइए भला, अब जैसे मुनिया की माँ को आज 4-5 दिन से बुखार आ रहा है, मगर इस डॉक्टर को मैं किस भरोसे पर घर बुलाऊं? बिल्कुल ठीक कहा बिहारिका का, खबरदार डॉक्टर को कभी नहीं बुलाना, वरना किसी दिन तुम्हारी घरवाली तो ही लेकर भाग जाएगा। सुना सुना प्रेसिडेंट, रतन की बात का लहजा सुना। तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे क्या रतन? हाँ, बकवास करता रहेगा या काम की बातें करने देगा? अच्छी बात है, मैं चुप रहता हूँ, तुम चालू हो जाओ। देखिए डॉक्टर साहब, गांव के लोग कहते हैं और ये 5 पंचों की राय भी है, इसलिए कि नारायण कह रहे हैं, बड़े बूढ़े आदमी हैं, मानो कि इसी किसी की बात कहने में अटक गए। अच्छा मैं बोलता हूँ। नहीं बाबा, मुझे तो चुप रहने के लिए कहा गया है, मैं नहीं बोलता। नहीं नहीं, बोलना चाहिए। हाँ बोलो, बोल बोलो। हाँ हाँ, अच्छा तो बोल ही दूँ, क्यों डाकते को? तुम्हारा पत्ता खास गए काम से। क्या मतलब? मतलब ये है कि इस गांव से तुम्हारा दाना पानी उठ गया, चंदन गांव में अब तुम रह नहीं सकते। मगर मैंने कसूर क्या किया? कसूर क्या किया है? अगर नहीं भी किया हो तो कसूर हम लोग बना सकते हैं, कर सकते हैं डॉक्टर, हम लोग सब कुछ कर सकते हैं। क्यों कसूर है? नहीं रतन, तू चुप रह, जो कुछ कहना है मैं कहूंगा। हाँ सब लोग खुद ही कहेंगे, तुम ही कहो। सुनिए डॉक्टर साहब, इस दवा खाने के लिए ये लोग कोई पुराना तजुर्बेकार डॉक्टर चाहते हैं, इसीलिए दरख्वास्त लेकर मेरे पास आए। मैं कहना चाहता था, कुछ भी हो इसमें बदनामी आपकी है, बेहतर यही होता कि आप खुद ही इस्तीफा दे दें। अच्छी बात है, अगर आप लोग मुझे नहीं चाहते तो मैं चला जाऊंगा। बाबा बाबा डॉक्टर, क्या बात कही है तुमने, क्या बात, क्यों नहीं, कुछ ही हो, पढ़े लिखे बुद्धिमान आदमी ठहरे। तुम्हारा दिमाग खराब हुआ सकते है? जो कभी शराब भांग नहीं पीता, किसी की बुराई नहीं चाहता, बिना स्वार्थ के सबकी भलाई करना चाहता, वो कभी बुद्धिमान हो सकता है? और वो तो महामूर्ख है, गधा है, गधा। क्या मतलब, तो कहना चाहता था? नहीं मैं कहना कुछ नहीं चाहता हूँ, मेरी समझ में सिर्फ यही नहीं आता कि पहले तो तुम डॉक्टर के यहाँ लाए ही थे और अब निकालना क्यों चाहते? मैं निकालना चाहता था? अरे ये सब गांव वाले, ये नारायण, जानकी दास, बंसी, बिहारी, यही लोग तो मेरे पास दरख्वास्त लेकर आए। दरख्वास्त? हाँ हाँ, ये देखना दरख्वास्त, जहन में गए तुम्हारी दरख्वास्त। क्या नाम मतलब प्रेसिडेंट, हम उठे ना बदनाम क्यों करते हो? तुम जो कहोगे तो वही करेंगे, ये सब आदमी नहीं है, जानवर है, जानवर है, तभी तो अपना भला बुरा इसको सुन पाते। डॉक्टर तुम इन लोगों की भाषा पर नाराज होकर चले मत जाना, मेरे सब नाचार है, नाचार है, इनके दिनों से मेरी इज्जत है ना प्यार है। डर है सर, ये सब प्रेसिडेंट से डरते हैं, डॉक्टर प्रेसिडेंट से डरते हैं। रतन लाए कानूनी काम मत कर, ये लोगों को फंसाना चाहता है, जानता है कि मैं तुझे पुलिस के हवाले कर सकता हूँ। जानता हूँ, अच्छी तरह जानता हूँ, ये धमकी इन लोगों को देना मुझे नहीं। मैं तुझे जेल की हवा न खिलाओ तब देना, गुस्सा मत खिलाओ प्रेसिडेंट, गुस्सा मत खिलाओ, अगर मुझे गुस्सा आ गया तो मैं अपने पाप को भी नहीं छोड़ता। मैं अकेला होता तो जेल की परवाह नहीं करता, मेरे घर में माँ है, दीदी है, अगर मुझे जेल जाना पड़ा तुम्हारी वो मान मत सुनकर पाप का भी नाम पूछा। मेरी जेल मत जाओ, भूल गया तुम लोगों ने, सबको दवाई दोगे, मैं थाने चलता हूँ, चलो मैं चलूंगा, चलो मुझे आज शरण भी नहीं उठाएगा, टांगे छोड़ दूंगा। प्रेसिडेंट रिपोर्ट करना है तो अकेले जाओ, कराओ रिपोर्ट, फिर साहब क्या करते हो? डॉक्टर डॉक्टर यहाँ से कहीं नहीं जाओगे, डॉक्टर कहीं नहीं जाओगे, मैं तो समझ जाओ कि तुम्हें कौन निकलता, मैं इसकी जान ले लूंगा। ये बात है, मेरी हिम्मत बहुत बढ़ गई है। मैं आपसे कहता हूँ, लेकिन तुझे जेल की चक्की न पिछवाई तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। नाम बदल दे, जेल जैसे तस्वीर खुल जाएगा। अरे
ठीक है रतन, इतना गुस्सा करते हो, खामखा मेरे वास्ते इतना झगड़ा किया। भगवत मुझसे बात मत कर, उस दिन तुम्हें इतना समझा से भी तुम्हें सुनाई नहीं। मैं क्या अपने शहर बना रखा है जहाँ मर्जी आए नाश्ते खाते फिरोगे? मैं पूछता हूँ यहाँ डॉक्टर भी करना है, ये लड़की उस दिन पहले ना आयो रतन, तुम्हें तुम मरो डॉक्टर तुम मर। देखा बिहारी, डॉक्टर का माकूल इलाज हो गया ना, अरे पैरों तले से जमीन की बच गई। अब देखो कौन बुलाता है उसे, जो भी बुलाएगा समाज देखता है। देखा इसका नतीजा? नतीजा सामने है दादा, बाजी मार। अब क्या चिंता है? तो दादा अब की होली का त्योहार जरा धूमधाम से मनाना चाहिए। हाँ हाँ दादा, बस अब तीन दिन तो बाकी है। हाँ हाँ, होली तो जरूर धूमधाम से मनाई जाएगी, और अगर जरा ये रतन को नीचा मैं दिखा सकता। अच्छा डॉक्टर, उस दिन गुस्से में न जाने क्या क्या कर गया। आज एक बात पूछू? पूछो। जया को तुम सचमुच प्यार करते हो या उसकी जिंदगी से खेल रहे हो? अभी मैं कैसे बता सकता हूँ? अभी कैसे कह सकते हो, शहरी आदमी हो ना, सच्ची बात मुझसे निकलेगी नहीं। सचिन काका जल्दी चलो, बापू का हाल बहुत खराब है। अरे मैं जाकर क्या करूंगा, डॉक्टर को ले जाना। माँ ने बुलाने को कहा था, प्रेसिडेंट से कहा, डॉक्टर को कोई नहीं बुलाता। जा प्रेसिडेंट से ही बुला कर ले जा, मैं नहीं जाता। रतन, ये कौन लड़का था? अरे वही जीवन महाराज का बेटा। क्या कहूँ डॉक्टर, गाँव अब रहने के काबिल नहीं रहा, यहाँ इंसान नहीं जानवर बचते हैं जानवर। इसमें बेचारे गाँव वालों का क्या कसूर है, ये तो बेपढ़े लिखे जाहिल लोग हैं। तुम्हारा सर लिखने पढ़ने से जहालत थोड़ी दूर हो जाती है। बताओ बताओ। ऐसा कहते नहीं, ये सब प्यार के भूखे हैं डॉक्टर, प्यार के भूखे हैं। मेरा दिल तड़प उठता है जब मैं देखता हूँ इंसान इंसान से नफरत करता है, प्यार नहीं। अरे औरों की बात छोड़ो, पति पत्नी में प्यार नहीं होता, दिन रात खटपट लगी रहती है, फिर भी देखो बच्चों पर बच्चे पैदा होते जाते हैं। अच्छा डॉक्टर तुम ही बताओ, जिन्होंने दिल में आग लेकर जन्म लिया उन्हें शांति कहाँ से मिलेगी? अरे तुम्हारी और मेरी शक्ति क्या, स्वयं भगवान भी फेल हो जाएंगे। रतन भैया, तुमने और महाभारी में तो प्यार है ना? ओ डॉक्टर, ये लड़की भी प्यार की बात करने लगी। अरे मेरी बात तो सारा गांव जानता है और तू नहीं जानती। यही तो मुसीबत है डॉक्टर, माँ सोचती है बहू ने मुझसे जादू टोना कर रखा है, इसीलिए दोनों दिन रात झगड़ती रहती है। मैं भला क्या करूँ? करोगे क्या, गांव घर के साथ झगड़ा करते फिरो और बैठे बैठे शराब पियो। सुना सुना डॉक्टर, तुमने इतना लश्करबाजी करके मेरा शराब पीना छुड़वाया, इसे फिर नाम ले लिया। यहीं से मन मजाक बिगड़ा हुआ, जी करता कहीं जाकर एक घुटकी कर जाऊं। अरे हाँ, अब मैं चलूं, न जाने जीवन के बेटे ने वहां जाकर क्या क्या लगाया होगा। अच्छा डॉक्टर, मैंने तो सचमुच कहा था वहां नहीं जाऊंगा। नहीं कहा था ना? हाँ, अच्छी मुसीबत। ये आज आप इधर कैसे तशरीफ लाए? कंपाउंडर बाबू ने मना किया था ना, अगर उन्होंने देख लिया तो नाराज नहीं होंगे? बापू नाराज हो या ना हो, मगर मेरा यहाँ आना शायद आपको पसंद नहीं आया। दया, ये क्या कर रहे हो, इधर बाप मर रहा है, तुम्हें उधर बचाने की पहले ये तो सुनो भाभी, तुमने तो घर को बिल्कुल नरक बना रखा है, क्या कर रहा है? और दो चार हाथ मारो, मेरा जी जी आ जाए। तुम बताओ लाला जी, मैंने कौन से ऐसे पाप किए हैं जो ऐसे नाराज पैदा? ऐसे लड़के तुम्हारे यहाँ नहीं होंगे तो और कहाँ होंगे? तुम दोनों मियाँ बीवी का प्यार जो है, ये तो अच्छा, मैं डॉक्टर से लेकर आऊंगा। नहीं लाला जी, अगर डॉक्टर को बुलाओगे तो बुरादरी से निकाल दिए जाएंगे, घर में शाम शाम उनका ब्याह भी तो करना है। सुनो, मैं जाए ब्याह शादी, यहाँ तुम्हारा आदमी दम तोड़ रहा और तुम लड़कियों के ब्याह की खोज रही हो। मैं क्या कहूँ तुम लोग, डूब मरो कहीं जाकर, डूब मरो डूब मरो।
देखो तो डॉक्टर सो गए हैं क्या? हाँ रतन सो गए हैं, अभी नींद कभी नहीं चुकी। इन्हीं लोगों के बाद से उस दिन प्रेसिडेंट से झगड़ा किया था, सोचा तुम्हारे रहने से बगैर इलाज से कोई नहीं मरे। रतन तुम रो रहे हो? नहीं रोऊंगा किसके लिए रो? अच्छा डॉक्टर आप समझा मैं मुर्दे को मरकर पहुंचाने का बंदोबस्त करूं। एक बार जब तुम यहां आ गए अब कोई नहीं आएगा, आए था नहीं आए, मरने से बचा नहीं सका तो क्या जलानी के लिए मैं जलानी काफी। नहीं बेटा तुम अकेले नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तो आजकल मुझे देखकर भी नाराज हो जाते हैं, मैं आपसे एक बात करना चाहती हूँ। कहो। दो तीन दिन से आपको खाने पीने की बड़ी तकलीफ हो रही है, तो जाने आप कैसे बनाकर खाते होंगे? मेरी एक बात मानेंगे? क्या? आप रतन भैया के यहाँ खाने का बंदोबस्त कर लीजिए। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी भैया, मैं सोच रहा हूँ कि हाँ कंपाउंडर बाबू कहाँ है? बापू लोगों से छोले मिलने गए थे। ओ, तुम नहीं गए? नहीं। क्यों? आप बापू को क्यों पूछ रहे थे? मैं चाहता था कि डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू कौन कौन जुमर? हाँ डॉक्टर बाबू हमारी बस्ती में हजार सभी में से चार पांच आदमी बीमार पड़ गए। हाँ डॉक्टर बाबू कल गोली चली सब ने अच्छा तुम घर में भी आ जाओ। क्या बात है? मैं खेरों की बस्ती में रहगा फैल गया है, मैं वहीं जा रहा हूँ। आप जरा ठहर जाइए, मैं कुछ बना लाती हूँ, आप खाते जाइए। नहीं गया, मैं वापस आकर खा लूंगा। हाँ मैं कह रहा था कि मेरा इस गांव में रहना तो बड़ा मुश्किल हो गया, मगर सोचता हूँ कि कहीं और रहूंगा भी कैसे। तुम तो जानती हो गया कि तुम्हारे बगैर मेरी जिंदगी कितनी अधूरी है, इसीलिए सोचता हूँ कि अगर यहाँ से जाना ही पड़ा तो अकेला ही नहीं जाऊंगा, तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा। तुम्हारे बापू को जैसे भी होगा मैं राजी कर दूंगा, उनसे कहूंगा आपकी हुत ऐसी बहुत अच्छी, सबसे अच्छी, मगर जरा तुम तो साथ चलोगी ना? जरा गया रंग डालो, ओ जी हो, दिन होली का आ गया रंग डालो, ओ जी हो।
आप लोग मेहरबानी करके रास्ता छोड़ दीजिए। रास्ता छोड़ दो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। मेरे हाथों में भगवान की मूर्ति है, अपने बीच मछेरे के साथ आने पर बैठे हम पर हुक्म चला रहे हो। ऊंच और नीच की पहचान इंसान की पैदाइश से नहीं होती सजीवन साहब, बल्कि उसके बर्ताव से होती है। खैर, मेरे पास बहस के लिए वक्त नहीं है, मुझे मरीजों को देखने आना है। आप मेहरबानी करके रास्ता छोड़ दीजिए। अगर जाना है तो टांगों से नीचे उतर कर पैदल चले जाना। तो आप लोग सामने से नहीं आते? चला जाऊंगा। जरूर कोई बात है, आज साल भर का त्योहार और तूने घर में पड़े पड़े दिन बिता दिया। हाँ हाँ बिता दिया, अच्छा किया। अब जाओ अपने काम करो। शुरू रहे क्या? हाँ, छोटा बच्चा है, इसको खेल के गिर पड़ा होगा। माँ माँ माँ, मैं बच्चों को बरंदे में बिठा कर रसोई चढ़ाने गई थी और तुमने उसे नीचे उतार दिया।
अच्छा हुआ कि मैं वहाँ पहुँच गई, मैं तो गाड़ी से मार ही डाला होता। इसीलिए तुम दौड़ कर मुझे मारने के लिए आई। देखा, सुनने न माँ की बातें, वो क्या सुनेगा। हाँ मैं छोड़ा उसी पराए बच्चे को लेकर इतना लाड़ प्यार करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तुम लोग चुप भी रहोगी या मैं घर छोड़कर चला जाऊँ। क्यों चुप रहो, क्यों चुप रहो। ठीक है तो चिल्ला, जोर जोर से चिल्ला, गला भर कर चिल्ला। रतन भैया क्या है, भाभी कहाँ है? सुन ले मैं मुझे देख के भागा क्यों जा रहा है? हाँ चोरी करने के इरादा था तो? क्या कहती हो काकी, मैं तो इधर से जा रहा था, सोचा पूछता जाऊँ। बहू चाहे कि नए गहने बनवाए। बहू नए गहने बनाएगी? अरे यहाँ प्राण जल रहे हैं और तुझे नए गहने की पड़ी है। चल भाग भाग, गहने में कुछ नहीं बनवाऊंगा। अच्छा अच्छी बात है, अच्छी बात है। देखिए भैया जी, लाए हो ना? क्यों रे? कुछ नहीं कुछ नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं चाची, बहू ने आपको बताने को मना किया था ना, इसलिए ऐसी कोई भारी चीज नहीं है। अच्छा अब मुझसे छिपा कर गहने भी बनाए जा रहे हैं, देखो तो क्या घर आया है। क्या देखो भैया, ये देखो। हाँ बच्चे तो करो, इसका क्या करोगे? बच्चे को देने के लिए बने आए हैं। अरे वाह, ये तो तेरे बाप की कमाई है, जो गहने बना बना कर गाँव भर में बातचीत करोगी। क्या करो, भगवान ने मुझे तो कोई संतान दी है, इसलिए अगर बच्चे को भी अपना समस्या से सो दो तो चाहती। बस बस अपने तो भाग छूटे लाल है, अब दूसरे के बच्चे को लेकर उठता भी सकता नाश्ता। आपका दिल पत्थर का है सर, निर्मला का एक ही तो बेटा है और उसके लिए ब्याज चढ़ा के भी आपने ऐसी बात कह दी। निर्मला माया आओ, चलो संभालो अपने बच्चे को। क्या हुआ, तुमने समझ क्या रखा है? मुझे कोई काम काज नहीं है क्या? जब देखो अपने बच्चे को मेरे घर छोड़ जाती है। क्या तुम्हें क्या, तुम्हें अपना घर बार छोड़कर तुम्हारे बच्चे को ही संभाला करो? बस बस रहने दो, इतना गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं। लाओ मेरे बच्चे को। मेरा राज का बेटा, ये हंसने की बात नहीं मिली माला, मैं सच कहती हूँ, अपने बच्चे को मेरे घर कभी मत भेजना। और बच्चे को पाल पोस के नीचे जाते हैं, क्या उनसे कभी क्या होगा, मुझे माँ कहकर पुकारेगा। बात क्या है माया? ये लेने जाना, मेरी तरफ से बच्चे को पाल देना। तो मैंने जो कुछ सुना ये सच है? हाँ। अब मैं डॉक्टर को मुंह कैसे दिखाऊंगा, गांव की भलाई के लिए मैंने उसे रोक लिया था, अब ये गांव वाले ऐसे ना चुके ऐसे नीचे, मैं कैसे समझ गया भगवान भी मैं नहीं सहेंगे, सारा गांव तबाह हो जाएगा। अरे तू क्या रोकी भैया, जरा मैं सब समझती हूँ। आज वो निर्मला का लड़का नहीं आया इसलिए तुम उलट पाए बैठी हो, दिन भर खाना भी नहीं खाए। जो चरित्र मत दिखा, जो बोलना है मुंह से बोल। क्या बोल, आपकी बातें सुनते ही तो मेरे कान पड़ते हैं, मुझे पता नहीं होता है इसके सिवा मैंने और क्या अपराध किया है। मेरा तने का पत्थर का तो नहीं, आपकी बात मुझसे नहीं सुन जाती। बहू मैं तुम्हारा दर्द जानती हूँ, जब तुम खुद भी समझती हो तो तुम्हें बाल बच्चा नहीं होगा, तो मेरी बात मान लो। दूसरों के बच्चे पर ममता रखने के बजाय सब के बच्चे को ही प्यार कर लेना। तुम खुद ही रतन के, नहीं ऐसा न करना। क्यों, इसमें हर्ज क्या है? तुम मेरे लिए तब भी ऐसी ही रहोगी जैसी अब हो। तुम रतन से कहो वजह से शादी कर, मैं तुम्हारा तो अपनी दुनिया नहीं जा सकती। ठीक है, अपने पुरखों का घर उजाड़ कर तुझे शांति मिलती है तो तुम भी छपे, मैं भी तुम चली जाती हूँ। हे भगवान, मुझे ये दिन भी देखना था कि अपने ससुर के खानदान में कोई दिया जलाने वाला भी न रहे। सुनो माँ। क्या सुनो?
वो राजी हो जाए। तुम समझा कर कहोगे तो वो जरूर राजी हो जाएगा। अगर इसी में आपकी खुशी है तो मैं जरूर उनसे कहूंगी, जरूर कहूंगी। अब सच कह रही हो बहू? माँ, माँ, बड़ा सुना दे। मैं डॉक्टर कैसे हूँ? लापरवाह नीचे के बाहर देखा, अब तो बहुत ही राजी हो गई। राजी हो गई? सच में? उसने कहा कि तुझे किसी माया ने कहा? हाँ, कह रही है उसे कोई इतराज नहीं। जा, जा, खुद ही पूछ ले, मैं नीचे जाती हूँ। माया, सुनो माया, तुमने माँ से क्या कहा? तुमने कहा है ना शादी करो? बोलो ना, क्या ये सच है? बोलो सच है? रो मत मैं जानता हूं ये तुम्हारे मन की बात है, मेरा तुम सोच नहीं। तुमने कहा था ना माया के लिए कागज ला दी? मैं तो बिल्कुल ही भूल रही थी, इस गृहस्थी के जंजाल में कुछ याद भी रहता है। अब तो जरूर ला दूंगी, कल का झमेला और मिल जाएंगे। सुना तू, कल शिव की शादी है। शिव की शादी? किसके साथ? और किसके साथ होगी? उसे कंपाउंडर की लड़की जया के साथ होगी। जया के साथ शिव की शादी? और कल? मगर मुझे तो किसी ने बताया नहीं। बताएगा कौन? चोरी से सब इंतजाम हो रहा है। अब ये भी कंपाउंडर आया है, बाबा वो ऊपर वाले कमरे में लेन देन तय कर रहे हैं। बाबा कल की शादी कर डालना चाहते हैं, कहीं फिर कोई बखेड़ा न हो जाए। लेकिन ये काम अच्छा नहीं होगा दीदी। ये तो मैं भी जानती हूँ, मगर कहो किससे? सबको अकल मारी गई है। अच्छा रखो, तू ये शादी किसी तरह रोक नहीं सकता? नहीं दीदी नहीं, दूसरों की भलाई की बहुत फिक्र कर चुका। अगर कोई खुद अपनी भलाई ना चाहे तो मैं भला क्या कर सकता? इसी जो मर्जी हो क्या करे, मेरी प्लस। लेकिन जया की शादी शिव के साथ? उन्हें तो मेरा क्या है। हाँ दीदी, अगली बार माया के लिए ताबीज जरूर ला देना। तू यहाँ क्या कर रही है? कल तेरी शादी और अकेले नहीं दीदी, ये तुम अच्छा नहीं किया। तुमने सुना है रतन भैया, मेरी शादी शिव के साथ हो रही है। शिव के साथ नहीं होगी तो क्या मेरे साथ होगी? जगह चली जाओ यहाँ से, ऐसे मेरे मन में ज्यादा अच्छा नहीं। रतन भैया, क्या है? हमेशा सुनती आई थी तुम गांव में सबकी मदद करते हो, सबके दुख दर्द में काम आते हो। चल सब कहने से बात नहीं। मैं समझ गया तू क्या कहना चाहती। अगर तेरा बाप तुझे जानबूझ कर कुएं में गिराए तो मैं क्या कर सकता हूँ? तू है हमारे देश की लड़की, हिंदू नारी, बाप भी संदेह बहरे के साथ ब्यारे दोस्त के साथ गृहस्थी निभाई की जिंदगी भर रोई रोते रोते मर जाए। अगर तेरी किस्मत में यही लिखा तो तेरा मजा मजा। तेरा मर जाना ही अच्छा है, शादी नहीं हो पाएगी। Thank you.
दीदी की शादी है ना, हाँ। तो हम लोग वहाँ थिएटर करेंगे। थिएटर? थिएटर करोगे? ब्याह की खुशियाँ मनाओगे? वाह वाह बहुत अच्छे। तुम सब गाँव के भविष्य हो, लायक सुकुश हो, ऐसे मौके पर खुशियाँ तुम नहीं मनाओगे क्या? और भी मनाएगा? चलो चलो मैं भी तुम्हारा साथ देता हूँ। बद्दू क्या जाओ नाचो जाओ। तुम तो बिलावज नाराज होते हो रतन भैया। अब अगर गया का बाप जबरदस्ती उसकी शादी उस बहरे से कर दे तो हम लोग क्या कर सकते? क्यों जबरदस्ती क्यों करेगा? गाँव में और कोई लड़का नहीं है क्या? वो नया डॉक्टर तो है, उसके साथ शादी कर देता तो क्या जया को फांसी लग जाती? हम लोगों ने तो यही सोचा था कि जया की शादी डॉक्टर के साथ ही होगी। सोचा था? अच्छा क्या था? सोचो सोचो इसी तरह सोचो और हाथ पर हाथ धरे बैठे रहो। बैठे क्यों रहेंगे? तुम एक बार कह दो फिर देखो हम शादी रुकवा सकते हैं या नहीं। शादी रुकवा सकते हो? वो कैसे? कैसे? अरे रतन भैया शिव को पकड़ कर बम मार लगाएं, बम मार लगाएं, तीन चार महीने तो खटिया से उठकर पानी न मांगते। मासिक नहीं, मार्किट मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, मार्किट करना ठीक नहीं। अच्छा तुम लोग जो कर रहे हो करो, मैंने बेटा डाकर तुम लोगों के आनंद में दखल दिया। अरे वो कहाँ है? वो राम राम जो अभी नाच रहा था, वो सुने मचा रहा था, फिर वो तुम्हारे घर से नीचे चल गया। अच्छा राम क्या बात कर रहा है तू? श्रीमती मंदिर मारे शर्म के फिल्म ही बना जा रहा है। गया, मैं तो सोच रहा था कि तुमसे मुलाकात भी ना हो सकेगी। कंपाउंडर बाबू तो मुझे देखते ही मुख्य से चले गए। तुम उनसे कह देना कि मुझे गोपालपुर के अस्पताल में नौकरी मिल गई। नौकरी मिल गई है? तब तो आपको जाना ही पड़ेगा। हाँ जया, कितनी उम्मीदें और कितनी आरजुएं लेकर इस गांव में डॉक्टरी कर गया, मगर अब जाने के सिवाय कुछ आ रही है। एक इत्मीनान जरूर रहेगा कि गोपालपुर में रहकर कम से कम तुम लोगों से करीब रहूंगा। एक उम्मीद बंधी रहेगी कि शायद कभी मेरी जरूरत पड़ जाए तो मैं फिर वापस आ जाऊंगा। आपकी जरूरत अब कभी नहीं पड़ेगी और आपको तकलीफ उठाकर यहां आना भी नहीं पड़ेगा। मैं सब समझती हूँ, मैंने सबको पहचान लिया है। जया तुम तो मुझे गलत से समझो। जया मैं गलत नहीं समझ रही, गलत मैं उसने समझे थे। किस दिन आप यहाँ आए थे रतन भैया ने फिर भी कहा था डॉक्टर के बाहर आपके बेटे जिंदगी तक खेलने आ गया। आप छोटे बात आप Thank you.
क्या ख्वाब दिखाए, रंग भरे तो जाल बिछाए, आँखें खुली तो सपने टूटे, रह गए गम के काले खाए, रात में क्या क्या ख्वाब दिखाए। अगर अच्छा हुआ मैं तुझे सोने का मेडल दूंगा।
नहीं वाली है। हमारे घर में ही होगी सर।
निर्मला भी है कमला भी है। उन्होंने हम लोगों को बाहर निकल दिया। बाहर निकाल दिया? क्यों निकाल दिया भाई? कमला, अरे कमला जल्द चले जाओ। क्या हुआ? क्या चिल्लाते हो? लो जल्दी जा। ले गए गांधी खाना बने नहीं होते। अरे गोकुल आवाज़ मैच मैच। अरे एक दिन में तुमने तो काफी इंतजाम कर दिया। जोड़ी कैसी रही? अच्छी संगत प्रेजेंट। लड़का तुम्हारा जरा बहरा है गोकुल, मगर कोई बात नहीं, मैंने जल्दी से कह दिया उनसे बोलिए। अब चाहे मारो चाहे पीछो, पुरखों का घर छोड़कर जाऊंगी कहाँ? मैं हूँ माँ, मैं। तुम आ गए? बसी बसाई दोस्ती यही छोड़ दूंगी। क्या कहाँ गई? ऊपर जाकर बैठी है क्या? ऊपर? ऊपर ही तो है। जाना चाहो इसी तरफ बुला के देखो। हाँ अब मैं ही जाऊंगी मनाने के लिए। क्यों? फिक्र पले ही किया है ना। जाना चाहो जल्दी जाओ। इसलिए रात गए जाकू जोता किसी के घर में घुसते हुए शर्म नहीं आती।
गई गई तो गई, तुम्हारे सिक्री और लड़की ढूंढूंगा। नहीं नहीं नहीं, मैं अंदर जाकर तलाशी लूंगा। Thank you.
खाली जल्दी कर लो, प्रेसिडेंट आ रहा है। आने दो आने दो। मैंने आज तक बहुत बर्दाश्त किया, लेकिन आज मुझे ना खुश रहा हूँ। नहीं डॉक्टर, नहीं, खून का बदला जो खून से लेता है वो जानवर इंसान नहीं। और अब तो तुम हमारे गांव के दामाद, मार्केट का नक में शोभा नहीं देते, लोग तुम्हारी बदनामी करेंगे। प्रेसिडेंट, मुझे माफ, बदला तो तुमने ले ही लिया, अब पिछली बातों को भूल कर भया और डॉक्टर को आशीर्वाद दो। ये शादी प्यार की शादी है, ये लोगों की जो संतान होगी वो प्यार की संतान होगी, हमारी और तुम्हारी का उनके दिलों में नफरत की आग नहीं जलेगी। रतन, रतन चलो चलो, मैं तुम्हारे बाबा दादी भगवान की दृष्टि से अच्छी देखी, अच्छी तरह से रहना। डॉक्टर, मेरी एक ही बच्ची, इसका ख्याल। रतन भैया, अरे क्या मेरे पास क्या रखा है? नहीं रतन, तुम जैसे आदमी के पाँव छूने के तो मेरा भी जी चाहता है। तुमने तो सब लाइन लगाकर प्रणाम करने लगे। बापू को देखना। अरे देखूंगा देखूंगा। कंपाउंडर, अरे तुम भी सिसकने लगे। डॉक्टर, जल्दी से गाड़ी में जाकर बैठो, ये सब रोना धोना मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। और जाओ ना, अरे क्या मुसीबत, तुम लोग इस तरह रोने लगोगे तो मैं भी रो पड़ूंगा। जल्दी जाओ। कंपाउंडर, तुम सचमुच रोने लगे। आज से तुम्हें खुश होना चाहिए, तुम्हारी लड़की जया अपने ससुराल जा रही है, वहां के लोग जया को देखकर कहेंगे डॉक्टर की बहुत चंदन खाव की लड़की है। और जहां उन लोगों को सुनाए अपने काम कहा, और आज तुम रोने लगे। रो रही हूं, मैं तो सोच रहा हूं क्या यही छुट्टी हो गई। नहीं कंपाउंडर, छुट्टी हो गई नहीं, हो गई छुट्टी। Okay.